कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे कृष्ण। सर्वप्रथम जुदा कुछ भैया थोड़ी। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद शोकर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसको ऊपर जो उठे ना सावधानी हिलता है। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण स्वरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकटित हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में श्री नंद के लाला बन करके कैसे आए और गोकुल में बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जोर से बोला जय कन्हैया। हाँ, कैसे गोकुल में महोत्सव हुआ है और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जगत में फिर जन्म क्यों लेता हूँ। बोले अनुग्रहाय भक्ता नाम करोमी विविध क्रिया। कहते मैं भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए ही जगत में आता हूँ। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं लेते, कृष्ण जन्म नहीं लेते, भगवान राम जन्म नहीं लेते, फिर भगवान की जो हम कथा सुन रहे हैं फिर कथा कहाँ से सुनते हैं। फिर बैठ करके दुनियादारी की बात करते, संसार की बात करते, हमारे मंगल ही नहीं होता। इसलिए भगवान बड़े दयालु हुए, ठाकुर जी बड़े कृपालु हुए, वो अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी ने जन्म लिया है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वार्जुन। बोले हे अर्जुन मेरे जो जन्म और ये कर्म है ये अपराकृत और अवलौकिक है। अगर इसको तत्व तो कोई जान ले फिर शरीर छोड़ने का बाद जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। कोई कोई कहते हैं ना अरे हम भी जैसे जन्म लिया ठाकुर तो ऐसे जन्म हो गए। बोले ठाकुर जी ऐसे जन्म नहीं हुए हैं। ठाकुर जी जन्म लेने से पहले 33 करोड़ देवता आकर के स्वर्ग में स्तुति स्तव कर रहे थे। ठाकुर जी जब जन्म हुए पहले चतुर्भुज रूप लेकर के दर्शन दिया, पूर्व जन्म की सारी उन्होंने कथा सुनाई। जब देवो की वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हम बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो ये चतुर्भुज को लेकर के और घुंघराली केस चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके प्रकट हुए। ठाकुर जी उनको पूर्व जन्म की बात याद दिलाई। बोले पूर्व जन्म में तुम जो नृष्णी और सुतबा थे, पेड़ का जो पत्ते उसको खा खा करके 10,000 साल तपस्या की, मैंने जब दर्शन दिया बोले बर मांगो, बोले आप जैसे हमें एक बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे दुनिया में कोई होते ही नहीं। इसलिए जिनको उपनिषद में बताए न तत् समस्याभ्य अधिक दृशते, बोले भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, जगत में भगवान की बराबर भी जगत में कोई हो नहीं सकते हैं। बोले ठीक है मैं तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी बेटा बन करके अगले बार आऊंगा। बोले देखो देवो की वसुदेव अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में छोड़ा आना, वहाँ पर एक बेटी उसको ले आना। ठाकुर सब बात बोले आप बताओ जब कोई इंसान जन्म लेता है ऐसे क्या बोलता है, क्या दर्शन देता है चतुर्भुज रूप लेकर के और सारी बात बताता है।
इसलिए भगवान ऐसे नहीं जन्म ले लिए ठाकुर जी, इसलिए भगवान की जन्म कर्म अप्राकृत और अलग की है। प्लस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्लस श्री नंद के लाला की, इसलिए ठाकुर जी हम सबको ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर जी जन्म हुए हैं। भागवत को जो डायरेक्ट पढ़ते हैं वहां किसी व्यक्ति को पूछो भगवान कहां पर जन्म हुए, दुनिया एक ही बात बताएगा भगवान गोकुल मथुरा में ही जन्म हुए। लेकिन हमारे टीकाकार लोग कहते हैं मथुरा में ठाकुर जी जन्म नहीं हुए, मथुरा में ठाकुर जी प्रकट हुए। बच्चा जन्म कैसे होता है, माँ की पेट से नाड़ी काटी जाती है, छोटे बच्चे बन करके आता है। लेकिन मथुरा में तो ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, इसलिए ठाकुर जी मथुरा में बोले अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, बोल करके झट छोटे बच्चे बन गए। ऐसे बच्चा कोई जन्म लेता है? बच्चा जन्म लेता है माँ की पेट से और उसका नाड़ी काटी जाती है, माँ के पेट के साथ में जुड़ी हुई रहती है बच्चे का नाड़, ये माँ की जन्म है। ऐसे जो जन्म है ये ठाकुर जी ऐसे श्री गोकुल में जन्म हुए, क्योंकि जो जसोदा और नंद है ये भगवान की नित्य पिता माता है। बोले एक द्रोण और एक धरा था, ये दोनों भी ठाकुर जी की कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी बोले बताओ क्या चाहिए, बोले एक बालक जैसे स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म लेता है, आप मेरे माँ मेरे गर्भ से ऐसे जन्म लो, मैया जैसे उसको दूध पिलाती है, शासन करती है, झूला में झूलाती है, मैं चाहता हूँ ऐसे ही मेरे घर में आप बालक बन करके आओ। ठाकुर जी बोले तथास्तु। इसलिए गोकुल में कृष्ण जन्म हुए, कैसे जन्म हुए अभी वो कथा हम सुनेंगे। बोले जिन नंद बाबा जी का जो पिताजी थे उनका नाम था परजन बाबा, कहते परजन मतलब होता है मेघ। इनके पांच बेटे थे, एक उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद, ये पांच बेटे हैं। कहते जो बीच में है ना ये नंद है। उदाहरण दिया जैसे पंच पांडव है, पांडव में बताओ तो बीच का बेटा कौन है? अर्जुन। पंच पांडव होने पर भी विशेष महिमा किसकी है? अर्जुन का, क्योंकि कृष्ण की ये सखा है। इसलिए उसी तरह इनके पांच बेटे होने पर भी जो मझिला जो बेटा है श्री नंद है। नंद मतलब क्या है? बोले आनंद इति नंद, जो विश्व ब्रह्मांड को आनंद दिया है। आनंद कैसे दिया? बोले कृष्ण को जन्म दिए, हम कृष्ण को भजन करते तभी तो आनंद मिलता है। वो ब्रह्म ज्ञान को दोनों पति पत्नी मिलकर के ठाकुर को सेवा करना, ठाकुर को भक्ति करना। लेकिन कितने कितने समय तक? बोले 50 साल। 50 ऊर्धे वनम ब्रजे, 50 बाद में शास्त्र में मना किया, घर में नहीं रहने के लिए मना करते। लेकिन भगवान को भूल गए, माया में फंस गए। इसलिए गुरु जी कहते थे बेटा घर में जाओ 50 साल तक रहो, उसके बाद में घर छोड़ देना। छोड़ करके दोनों पति पत्नी बान प्रस्तर में जाओ, दोनों मिल करके वृंदावन में भजन करो। लेकिन अगर भजन करने नहीं जाए तो देखो उसका अंक क्या आता है। बोले 69, 60, 61 मतलब क्या? फिर तुम सठिया बने जाओगे, तेरे से कुछ होने वाले नहीं भाई, फिर तुम्हारी कुछ जीवन में होने वाले नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति प्रहलाद कहते हैं 5 साल उम्र से प्रभु की भजन करना शुरू कर दो, देर मत क्या करो। जैसे कच्चा मिट्टी होता है ना, कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना तो बन जाएगा, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है ना वो टूटेगा, लेकिन वो पकेगा नहीं, वो बनेगा नहीं। इसलिए बांस जब कच्चा रहता है वो तो टेढ़ा हो जाती है, पक जाए तो फिर वो टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए क्या करो, बचपन से भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जब इनकी 50 साल उम्र हो गया ना, बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गई, घर में बहुएं आ गई। एक दिन श्री परजन बाबा ने बुलाए,
बोले बच्चों आओ इधर आओ, बुला करके बोले तुम सब बड़े हो गए हो, शादीशुदा घर में बहू आ गई, अभी हमको घर में ज्यादा समय नहीं रहनी चाहिए, घर में रहने पर क्या होगा। अरे चाबी काठी को लेकर बहू के साथ में लड़ाई झगड़ा, बोले लड़ाई झगड़ा होने से पहले जाओ वृंदावन में जाकर भजन करो भक्ति करो, फिर तो वहीं पर अपना मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करो। एक समय उन्होंने 5 बच्चों को बुलाए, बोले अभी मैं चाहता हूँ हम दोनों पति पत्नी वानप्रस्थ में जाए, सबसे बड़े बेटे को हम राज सिंहासन में बैठना चाहते हैं। इतने में बड़ा बेटा जो था बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता मेरे में नहीं, ये मझिला बेटा नंद में, राजा कौन बन सकता है जो प्रजाओं को जो पुत्र बत समझे। ऐसे नहीं जब तक गद में बैठे तब तक लूटते रहो, जितना लूट सकते हो लूटो, ये सब लूट रहे हैं राजा नहीं। राजा तो वही बन सकता है जो प्रजाओं को अपना बेटे मान करके उनको लालन पालन करे, तभी वो राजा बन सकता है। इसलिए बड़ा बेटा बोले मेरे अंदर में राजा बनने का योग्य नहीं है, ये मझिला बेटा नंद को अंदर में ये योग्यता, पिताजी नंद बाबा को ही आप सिंहासन में बैठा दो। सारे जितने प्रजाना बड़े खुश हो गए, बोले सही बताए। अभी उनको बैठा करके जब भजने के लिए जा रहे थे, इतने में बच्चों ने प्रश्न किया, देखो क्या प्रश्न करते हैं, बोले आप तो जा रहे हो भजन करने के लिए दोनों पिता माता, बोले हाँ, बोले हमारे के जो प्रश्न का उत्तर दो, बोले बताओ क्या चाहिए। बोले जगत में लोग क्यों डरे हुए रहते हैं, बोले डरने का कारण है आसक्ति, हम किसी चीज में हमारी आसक्ति ये हमसे छूट नहीं जाए इसलिए जीव हर समय डरते हैं। बोले जीवन में हमें रक्षा कौन करेगा, बोले जीवन में रक्षा केवल संत ही हमारे जीवन को रक्षा करने वाले, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ नाश हो, संत संग के बगैर जीव का ज्ञान नहीं होता है, प्रभु की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। इसलिए जैसे देखो यहाँ विशाखा दीदी यहाँ पर आई है, तभी तो यहाँ पर कुछ भक्तों को बनाया ना, प्रचार करके तभी तो भक्तों को गले में कंठी माला तिलक दी है। इसलिए हमें अगर रक्षा कर कौन रक्षा कर सकते हैं, हमें पालन कौन कर सकते, बोले संत ही हमें पालन कर सकते हैं। इनका तीसरा प्रश्न है, ये जो जीवन हमें मिला है जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले जीवन का एक लक्ष्य है अगर ये जीवन पा करके किसने भगवत प्राप्त कर लिया, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की दरवाजा पर खड़े है, और इसी जीवन में ही हमें मुक्ति मिलने वाली, प्रभु चरण तक प्रेम तक इसी जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर जिसने ये जीवन पा करके जीवन में ये प्रेम को प्राप्त कर लिया, समझो उसने जीवन में सब कुछ उसको हो गया है। उनने बड़ी सुंदर सुंदर प्रश्न की, उसका उत्तर दे करके दोनों पति पत्नी चले गए। अभी तो 4 बच्चों का बच्चा है लेकिन मझिला जो बेटा नंदव घर में कोई बेटा नहीं, नंदव बाबा बड़ी चिंता में भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा, अभी तक तो कोई बेटा नहीं हुआ है। एक दिन गांव में कुछ संत लोग आए और उनने संत सेवा की, नंद बाबा बोले नंद बाबा जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य है, जो तुम्हारी भाग्य में नहीं अगर संतों की कृपा हो तो हो जाता है। और उनने संत सेवा की इतने महिमा बताए, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तुम, संतों का हृदय में ही मैं बैठता हूँ, अगर मेरे भक्तों को कोई अगर खुश कर दिया तो मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। उन्होंने संत सेवा की जो बड़ी महिमा बताए, बोले भैया गंगा जो बहते बहते घर को सामने आ गई, फिर इसमें गोता क्यों नहीं लगा लेते, बोले बाबाओं यहाँ पर खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन ये गोकुल में रुक जाओ, रुक करके हमारी सेवाओं को ग्रहण करो, नंद बाबा चकाचक संतों की भोजन करवा रहे हैं। एक दिन कुछ लोग घूमने के लिए गए, ये संत लोग करते हैं क्या, वहां पर जब गए संत लोग आपस आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले नंद बाबा का इतना दिन से अन्न खा रहे हैं लेकिन अभी भी इस घर में कोई लाला ही नहीं हुआ है, हैं? इतनी इतनी बात सुनकर के ब्रजवासी लोग आए, बोले नंद बाबा को शिकायत की
बोले कहाँ से संतों को यहाँ रखवा दिया, भाई राम राम कृष्ण कृष्ण कुछ भी नहीं, नंद के छोरा कब है वो, नंद को छोरा कब होगा, यही बात कर रहे थे। नंदो बाबा बोले तुमने सुन करके आया है, बोले अभी तो मैं सुन करके आया। भैया जब संत लोग कहते हैं घर में छोरा कब होगा, संतों का वाक्य कभी झूठा नहीं होता है, जरूर हमारी घर में बेटा होगा ही। अरे संतों को खूब भोजन कराओ। सचमुच से जो माँ यशोदा की जो उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन एक समय एक एकादशी व्रत आई जिसका नाम था पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी मतलब क्या है, जिनके घर में पुत्र संतान नहीं, अगर वो एकादशी व्रत करे तो घर में पुत्र का जन्म होता है। नंद यशोदा बोले हम लोग ने सारे व्रत तो करके देख लिया, अभी तो घर में कोई संतान नहीं हुआ, अभी ये पुत्रदा एकादशी, चलो हम पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं। जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत रखे, उसी रात को ही ब्रह्मा मुहूर्त में उन्होंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखते हैं। बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीड़ांगमयाम लोक्यते। उन्होंने स्वप्न जब ब्रह्म मुहूर्त में देख करके दोनों की नेत्र खुल गई। नंदो बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी है, बताओ क्या, तो पहले बता आप क्या देखे। बोले मैंने देखा तेरे कोख में गोद में बड़े सुंदर श्याम रंग का एक बालक तुम्हारी स्तन पान कर रहा है और दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। बोले मेरी स्वप्न देख ले सुन ले। बोले बता। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे पीछे एक बालक माँ माँ करते करते पीछे आ रहा था और कपड़े पकड़ करके बोले माँ मेरे को गोद में ले ले, माँ मेरे को दूध पिला दे। मेरे को स्वप्न नहीं लगा सचमुच से कोई एक बालक है। उसी रात को ही मैया यशोदा गर्भधारण की। अरे ब्रज में हल्ला हो गया, भैया नंद के लाला होने वाला है। अभी तक तो संतों का कोई खातिरी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये बूढ़ी उम्र में मैया यशोदा ने गर्भधारण की, ए बाबा उनका तो बड़ा महिमा, जहां पर देखो बाबा राम राम, बाबा राधे राधे, बड़े तारीफ होने लग गया संतों की। इतने में देखो यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं नंद बाबा तो इतने सारे व्रत को रखे लेकिन बेटा क्यों नहीं हुआ, भगवान क्यों नहीं आए। लेकिन जो पुत्रदा एकादशी व्रत किया बेटा क्यों आए, कारण किया, कारण बताए। बोले जो एकादशी व्रत है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हाँ कहते माधवती थी भक्ति जननी जतन पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बारी, शोध भक्त चरण रेणु भजन आनो बोला। इसका कारण बताए, जो एकादशी है भगवान की प्रेम को देने वाले एकादशी है, इसलिए दूसरे दूसरे व्रत करने पर भगवान नहीं हुए। यहाँ शिक्षा देते हैं कृष्ण कब मिलेंगे, बोले कृष्ण भक्ति से मिलते हैं, लेकिन ये भक्ति कहाँ से होएगी, बोले एकादशी व्रत से ही भक्ति होगी, एकादशी व्रत से ही भक्ति और भक्ति से भगवान मिलेंगे। इसलिए अभी जितने ब्रज की गोपियां थी, छह छह महीना पहले 84 गज के लहंगा चुंदरी बना करके रखे, जितने गोप लोग थे बगलबंदी धोती और टोपी बना करके पगड़ी बना करके रखे। बोले नंद के लाला होगा तो हम सब बधाई देने जाएंगी हैं। अभी नंद बाबा की बहनी थी सुनंदा, जब उसने देखा भाभी ने गर्भधारण की, वो तो 6 महीना पहले से अगर घर में जमकर बैठी है। बोले क्यों, बोले भाभी की बेटा होगा ना, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी, वो सारे घर का काम काज को वही भाग दौड़ कर कर रही थी। अभी गर्भ का कुछ चिन्ह दिखाई पड़ी, कुछ कुछ गोपियों ने कहा मैया तुमने कुंवारी पने में कोई जुड़मा केले तो नहीं खा ली। बोले क्यों, बोले लगता है तेरे गर्भ में 2 बच्चा है। मैया तो डर गई, बोले पहला बार बच्चा होगा, 2 बेटा, डर गए। बोले चिंता मत कर, राम जो करेगा अच्छो ही करेगा, चिंता मत किया कर।
एक बड़ी बुढ़ी गोपी बोली, बोले मैया तेरे पेट में ना लाला जन्म होगा। बोले तेरे को पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब है तुम्हारी बेटा होने वाला है। मैया जशोदा तो बड़ी जितेंद्रिय थी, लेकिन गर्भ में जो बच्चा हो ना माताओं को चटपटी चची चची लगती है। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। बड़े सुंदर गैया की दूध का खीर बनवाए, ठाकुर जी को भोग लगाए सालग्राम को, और मैया जशोदा को खीर खिलाए। और एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है अगर गर्भ में तुम्हारी बच्चा है, देखना उस समय माँ जो करता है वो बच्चा वही करता है। जब माँ अगर भगवान के प्रसाद खाए, बच्चा तो मैया का खाने से ही खाना खाती है ना, तो बच्चा क्या करता है पेट वो भी प्रसाद पाता है। माँ जैसे तुलसी परिक्रमा करती है तो पेट में तो बच्चा है ना वो भी तुलसी परिक्रमा करता है। जैसे माँ जा करके ठाकुर जी को प्रणाम करती है, माँ के पेट में बच्चा है ना वो भी जा करके भगवान को प्रणाम करती है। जैसे माँ बैठ करके कथा सुनती है, पेट में बच्चा है ना वो भी बैठ करके कथा ही सुन रहा है। इसलिए ये जो गर्भ संस्कार बहुत बड़ी एक संस्कार, जब प्रह्लाद महाराज ने बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर सुंदर उपदेश, बच्चों ने कहा प्रह्लाद हमारे जो गुरुजी थे तुम जो बात बता रहे हो गुरुजी तो कभी सो बात बताई नहीं, तेरे को कहां से सुनने को मिला? बोले जब मैं माँ के पेट में था इंद्र ने मेरे माँ को पकड़ करके ले जा रहा था स्वर्ग में, क्योंकि एक हिरण्यकश्यप तपस्या करके सारे देवता को भगा दिया था। बोले अगर इसका बेटा हो जाएगा ना ये बेटा और पिता मिलकर के स्वर्ग में रहने नहीं देंगे। इतने में नारद जी आ गए, बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले मेरे मन में कोई खराबा भावना नहीं, अभी इसकी पेट में बच्चा है, ये बच्चा जब जन्म देगा इसको मार करके मैं वापस दे जाऊंगा। नारद जी बोले तेरे को पता है पेट में कौन है? बोले भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रह्लाद महाराज है, इतने बड़े ये भक्त है ये खंबे से भी ठाकुर जी को प्रकट कर देंगे। जब प्रह्लाद उसको पिताजी ने पूछा बताओ तो तेरे भगवान कहाँ है? बोले बताओ मेरे भगवान है ही नहीं, कहाँ तो बताओ। बोले खंबे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है। ठाकुर जी बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। बोले पहले तेरे प्रभु को दिखूंगा तेरे को बाद में। मुष्टि का घात मारे तो खंबा फट गया, साक्षात नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, इतने बड़े भक्त होने वाले हैं साक्षात भगवान जिनको रक्षा करने वाले हैं, इसका तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। ठाकुर जिसको रक्षा करते हैं कितना जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी होई, इसलिए इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। इतने में उनको लेकर के आश्रम में गए, कौन? नारद जी आश्रम में लेकर गए और उसको उद्देश्य करके उन्होंने 60,000 साल तक कथा सुनाई माँ को। अब प्रह्लाद माँ की पेट में बैठ बैठ करके सारी कथा को सुनते रहे और इतने बड़े ज्ञानी बने। इसलिए आप लोग भी माताएं ध्यान देना, जब गर्भ में बच्चा हो ना इधर उधर उल्टा पुल्टा काम नहीं करनी चाहिए। लव कुश देखे हो, जब माँ सीता गर्भवती थी बड़े बड़े संत लोग आए अयोध्या में, वहां पर सीता जी को बैठा कर कथा सुना, तभी लव कुश इतने बड़े ज्ञानी बने। इतने महत्व ये गर्भ संस्कार है, इसलिए जिस समय भगवान गर्भ में रहे उसी समय बड़ी सुंदर सुंदर उनको ठाकुर को तस्वीर दिखाते हैं, भगवान की सुंदर सुंदर उनको कथाओं सुनाते हैं। अभी मैया जशोदा लग रहा था आज रात को ही किसी बेटा का जन्म हो जाएगा, दिन में 8 बजे तक सब जगे रहते हैं, उसके बाद में सब सो जाते थे। बोले एक काम कर 8 से 10, 10 से 12 कुछ कुछ गोपियों को ड्यूटी में लगा दो और चिमटा और ढोलकी और मजरा दे दो, कीर्तन करते रहे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
लगाए जोग माया तो सबको सुला दी, कहाँ ढोलकी गिरी, कहाँ मजीरा गिरी, कहाँ करताल, किसको पता ही नहीं चला, हाथ पर फेंक कर सब सो रहे हैं। लेकिन कब से वसुदेव महाराज आए और बेटे को रख करके बेटी को लेकर पता ही नहीं चला। लेकिन इधर क्या हुआ देखो, अभी मैया जसोदा ही रात को उन्होंने दो बच्चे जन्म दिए हैं। पहले तो कृष्ण जन्म दिए, उसको बाद में फिर जोग माया को जन्म देते हैं। आप बोलोगे वसुदेव महाराज एक कृष्ण लाए, यहाँ पर भी एक कृष्ण है, कि कृष्ण कितने हो गए फिर बोलो, कितना कृष्ण हो गए, दो हो गए ना, फिर एक कृष्ण फिर कहाँ गया। बोले जो मथुरा की जो कृष्ण है वो अंश कृष्ण है, लेकिन ब्रज का जो कृष्ण ये पूर्ण कृष्ण, ये पूर्ण कृष्ण ने अंश कृष्ण को शरीर में मिला दिया। लेकिन ये चीज को किसको समझ में नहीं आया, कब कैसे क्या हो गया। बोले भैया ये कहाँ से बता रहे हो, बोले ये शंकर जी रुद्र जामल में शंकर जी पार्वती को ये बात बताई। बोले पार्वती मैंने देखा है, बोले जसोदा नंद पत्नी च सुसुभाते समम तदा, बोले मैंने ये चीज को देखा है पार्वती, मैया जसोदा ने दो बच्चे जन्म दिए, घने सौदा मिनी जैसा, जिसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही जो गोकुल का कृष्ण मथुरा कृष्ण को शरीर में मिला दिया। लेकिन ये बात किसको पता नहीं चला, इसीलिए देखना कृष्ण को नंद भी मानते हैं मेरा ही बेटा है, और श्री वसुदेव महाराज क्या मानते, बेटा मेरा है, दोनों ही मानते बेटा, और सचमुच दोनों का ही बेटा है ये कृष्ण, दोनों का ही बेटा ठाकुर जी हैं। इसलिए और एक प्रमाण देते हैं, गुरु जी कहते थे कोई भी ब्रजवासी कभी बोलेगा नहीं कृष्ण वसुदेव का बेटा। बोले क्यों, अब देखना जब बच्चा जन्म लेता है, बड़ी बूढ़ी माताएं रहती हैं वहाँ पर बच्चों को जन्म देती हैं, बच्चा का जब जन्म होता है माताएं माँ की पेट में नाड़ी जुड़ी हुई रहती है, माताएं फिर नाड़ी काटती हैं, काटती कि नहीं, नाल को काटती हैं। जो बड़ी बड़ी गोपियाँ बोले अपना आंखों से देखा कृष्ण जसोदा ने जन्म दिया, अपना हाथों से अपने नार को काटे, हम कैसे मानेंगे कृष्ण मथुरे से नहीं, कृष्ण का गोकुल के कृष्ण है, जसोदा की कृष्ण है। इसलिए अभी क्या हुआ, सब के सब सोए पड़े हुए, जोग माया ने सबको सुला दी। सबसे पहले सुनंदा की आँख खुली, क्यों, वो छः महीना पहले घर में जमकर बैठ गए नवला घाटी का हाथ लेने के चक्कर में, अभी इसको सोच रहे तो कब बेटा होगा, कट कब बेटा होगा, छः महीना से बैठी हूँ। सबसे पहले उसकी आँख खुली, आँख खुलते सोचा भाभी का क्या हालत है, आँख करके जब दरवाजा खोल करके देखा ना, मैया जसोदा की गोद में नीलमणि जैसे एक सुंदर बालक किलकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया लाला का कब जन्म हो गया, किसको बता ही नहीं पड़ा है। इतने में उसने एक थाली लेकर के अरे ये चिमटा लेकर बड़ी जोर जोर से बजाई, बोले भैया नंद के लाला है, गए हे, जग जाओ सबके सब, तुम लोग की ताली नहीं बजाए, अभी सबके सब वहाँ जग गए। जब सबके सब वहाँ जग गए इतने में बोले भैया भैया कहाँ पर है, पहला खबर भैया को दे तो फिर मेरे को नबला की हार मिलेगी। अभी और ढूंढते ढूंढते जब ब्रह्मांड घाट पर पहुंची, वो देखती हैं वहाँ पर श्री नंद बाबा माला लेकर के जप कर रहे हैं, वो माला नहीं जप हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला कब होगा, घर में छोरा कब होगा, घर में लाला कब होगा, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गे, बड़े बाबा आश्चर्य हो गया है, नंद बाबा तो एकदम छलांग लगा दी। बोले बहन ने कहा भैया बताओ, बोले भैया छः महीना पहले से यहाँ बैठी हूँ हैं, बोले नवला की हार की चक्कर में ना, बोले और क्या, बोले ले नवला की तो हार ले ले, बोले और क्या दोगे, बोले दे तो दिया नवला की हार।
बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, और क्या तुम्हें बताओ। बोले जमुना किनारे में जो गैया चरते ना, जितने जमीन जगह तेरे नाम पर लिख दी, तो सारे जमीन जगह तेरे पर। बोले और क्या दोगे। बोले दे दिया ना, और कितना चाहिए। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, और क्या दोगे। बोलो। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का डिब्बू ले लिया, जो इच्छा तू तो खोल करके ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में क्या हुआ है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है, तेरे घर में लाला हुआ है। बोले नंद के लाला की। अरे कोई जे के है बोल रहे, जोर से बोलो। बोले श्री नंद के लाला की। नंद हुआ तो वही सही दौड़ लगाए, वही सही भागे वहां से, और आ करके नंद बाबा जब बच्चे का उन्होंने मुख दर्शन किया है, इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन मन में संकल्प किया है, बोले मैं तो ब्राह्मण को संतों को 20 लाख गैया दान दूंगा है, और 7 तिल का पर्वत में दान दूंगा। तिल का दान बहुत महत्व है। उन्होंने संकल्प ले लिया। बोले पहले साधु संतों को ब्राह्मणों को बुलाओ, क्योंकि बूढ़े उम्र में आज हमें बच्चा का मुख दर्शन करने को मिला है, इसलिए पहले संत ब्राह्मणों को बुलाओ, पहले उनको दान दक्षिणा दिलवाओ। अरे खूब उन्होंने दान दक्षिणा दिलवाए, संत लोग आ करके उनको स्वस्थी वाचन पढ़ करके आशीर्वाद दिया, और बोले जब नाई को भेज दिया, बोले जाओ पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, नंद का लाला हुआ, बधाई देने के लिए आए। जितने गोपियाँ थी वो तो पहले से ही 84 84 गज में लहंगा चुंदरी बना करके बैठी थी, सबके सब श्रृंगार करके, जितने गोप लोग थे सबके सब धोती कुर्ता बगलबंदी पहन करके दूध दही मक्खन लेकर के आ रही है। और सुखदेव गोस्वामी कहते उन्होंने 8 श्लोक में उन्होंने नंद महोत्सव को उन्होंने वर्णना की है, बड़ी सुंदर वर्णना की। गोपियाँ बड़ी सुंदर श्रृंगार कर रखी थी, कान में बड़े सुंदर कुंडल पहन रखी थी, गले में सुंदर हार, और अपना चोटी में अगर दक्षिणी में जाओगे ना, रोज रोज माताएं फूलों से चोटी को श्रृंगार करती हैं, सबके सब बड़े सुंदर चोटी को फूलों से बड़े सुंदर श्रृंगार करके रखी थी, कमर में करधनी पहन रखी थी, बड़ी सुंदर साड़ी, बड़ा सुंदर श्रृंगार बनना किया। लेकिन जब गोपियाँ आ रही थी, कान में कुंडल पहन रखी थी, ये कुंडल बड़े जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों। बोले तुम लोग को पहुँचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के नंद भक्त कृष्ण को हम बधाई दें। जो चोटी में फूलों की माला बूंद कर रखी थी, एक एक फूल उनकी चरणों के ऊपर पड़ रहा था। बोले क्यों। बोले जो व्यक्ति कृष्ण दर्शन करने जा रही है, उनकी चरणों को पूजा करनी चाहिए। अगर चोटी में रहेंगे तो खोल कर यमुना में बहा देंगे, अगर ब्रज रज में मिलेंगे तो कृष्ण जब बड़े होकर के ठुमुक ठुमुक कर चलेंगे, उनकी ब्रज रज में मिलने पर चरण स्पर्श होगा। जितने गोपियां और गोप थे ना, नंद बाबा मैया जसोदा को बधाई दे रहे थे। देखो इधर सुना, मैं बोलूँगा नंद जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है जोर से बोलना। बोले नंद बाबा मैया जसोदा बधाई हो। आनंद नहीं आया, कुछ कुछ माता अभी भी चुप बैठे। और एक बार जोर से बोलो। बोले नंद जसोदा बधाई हो। नंद जसोदा बोले बधाई हो बधाई हो। बोले ब्रजवासियों, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी हमें लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। ये लाला हमारी नहीं, लाला तुम सुख सबका है। और जितने गोपियां थी ना, हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जी बेरी जसोदा मैया तेरो ललना, 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 जुग जुग
अभी सबके सब हृदय से आशीर्वाद दे रहे थे लाला को। इतने में जब आशीर्वाद दे रहे थे सारे ब्रजवासी आ गए, लेकिन दो व्यक्ति अभी नहीं आए। बोले कौन? बोले वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी। अभी तो यही दो ही बाकी रह गए। अगर ये दोनों आ जाए ना, फिर उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। देखते देखते मैया कृतिका और श्री वृषभानु महाराज उन्होंने प्रवेश किया है। प्रवेश किया तो एक गोप ने एक लठिया लेकर के कृतिका मैया जो सर के ऊपर में दूध दही मक्खन की मटकी रखी थी उसमें मारे, लठिया में मारे। मारते ही मटकी तो फूट गई और पूरा मैया यशोदा उसमें स्नान कर ली। इतने में दही में हल्दी और उसमें घी मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगा रहे थे, जिसको दधी दाधी कहते हैं। और वहां पर इतने दूध दही लाए थे, वहां कीच कीच हो गया और सबके सब फिसल फिसल करके गिर रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबके सब नाच रहे थे, सबके सब गा रहे थे, लेकिन वहां पर नंद बाबा बैठे बैठे मटक मटक कर देख रहे थे। गोप ने कहा नंद बाबा जी तेरे घर में लाला हलवा है, सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं गा रहे हैं और तू यहाँ पर बैठ कर देख रहे हो, अरे कम से कम आज का तो तू नाच ले। उनको पकड़ करके ना जोर जबरदस्ती ले आए। बोले कहाँ पर ले आए? बोले नंद बाबा का जी आंगन में इतने दूध दही लाए थे जैसे खीर समुद्र हो गया था। और नंद बाबा देखने में कैसे बड़े लंबे चौड़े गौरव वर्ण के थे, कमरे में फेटे बांध कर रखे थे, एक तरफ में ब्रजवासी नंदगांव के, दूसरे तरफ में बरसाना की, दोनों तरफ में पकड़ रखे थे। लग रहा था मानो खीर समुद्र प्रकट हो गया और यहाँ पर खीर समुद्र यहाँ पर मंथन हो रही है। कल हम सुन रहे थे ना लवण मंथन, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकली, जिसको शंकर जी पान करके कंठ में धारण किया तो इनका एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव की जय। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला? बोले नंदस्तु आत्मज जाता लाद महामना। बोले यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद भगवान स्वयं कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए हैं। कल जो समुद्र मंथन की कथा सुनी थी उसमें 14 रत्न निकला था, यहाँ तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णना करते हैं यहाँ पर तो रमा क्रीडन अभूत नृप। बोले परीक्षित नंद बाबा इतने धन दौलत उन्होंने इतने लुटाया। ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध करके ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोने से निकलते गिरते गिरते जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। लग रहा था मानो कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं गली गलियों में माँ लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है, ऐसे लग रहा था। वहां पर नंदी बंदी हैं मागद ये सब के सब आ गए। ये लोग आ करके नंद बाबा से सबके सब मांग रहे थे, दक्षिणा मांग रहे थे। बंदी आ गई, बंदी आकर के बोले नंद बाबा मैं तो तुम्हारा बंदी हैं, खाओ सकरी कंदी हैं, मैया मेरी अंधी, सोना कला सोना चांदी, इसलिए मेरे को कुछ दे दे। नंद बाबा ने बड़े सुंदर उनको रत्न आभूषण दिया है, हैं? इसलिए बड़े सुंदर महोत्सव हो रहा था वहां पर। सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। वहां शंकर भी आए थे। शंकर जी का बहन कौन है? शंकर जी का बहन नंदी। अभी शंकर तो चक्कर में पड़ गए। बोले नंद बाबा तो 20 लाख गैया दे रहे हैं, हो ना हो गैया मान करके मेरे नंदी को नहीं दे दे फिर मैं बैठ कर किस में जाऊंगा। उन्हें नंदी की पूछ पकड़ कर खड़े हो गए। वहां पर माता पार्वती भी आई थी। पार्वती की भी 2 लाला हैं। कौन कौन है? कार्तिक और गणेश। इसलिए कहते ना हाथी घोड़ा पालकी। अभी उन्होंने मैया भी डर गई। बोले इतने हाथी दे रहे हैं, मेरे बेटा भी तो गजानन है ना, हाथी का सर है ना, ऐसे नहीं हाथी देते थे तो मेरे बेटे को भी दे दे।
इसलिए उन्होंने बेटे को गोद में लेकर चुपका कर खड़ी हो गई। वहां पर कुबेर भी आए थे, कुबेर को नहीं, स्वर्ग के सारे धन दौलत के खजना जिसको पास में, लेकिन आज उन्होंने इतने दान दी, जिस दान को सामने कहते हैं वो इनका सर भी कुबेर का झुक गया। यहाँ पर झुक गया उनका सर, कहते भगवान मेरे को झूठ मूठ का बना दिया, स्वर्ग की कुबेर बना दिया, लेकिन आज ब्रज में इतने धन दौलत है, वर्णना करते हैं बोले इतने धन दौलत, उसका एक किनका को साथ में भी मेरे जो राजकोष है वो भी बराबर नहीं होगा। बोले क्यों? बोले यहाँ पर जब कृष्ण आए, सर्व लक्ष्मी मई श्री राधा रानी भी आ गए, और राधा रानी ने आदेश दी, आज इतने धन दौलत लुटाए, जब तक दुनिया रहेगा तब तक कृष्ण की गुणगान हो, कृष्ण की जन्मोत्सव में नंद बाबा कितने दान दक्षिणा दिया था, और जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी राधा रानी आ गई, फिर वहां पर कभी कमी हो सकती है? हमारे श्री एक संत वर्णना कर रहे थे, जब जनकपुरी में अयोध्या का बरजात्री आए, जब बरजात्री आए हैं, जिस समय में उन्होंने जनकपुरी में प्रवेश कर रहे थे, देखा जनकपुरी के बाहर जो पहले छोटे जाति के लोग रहते थे, देखा वो सबके सब सोने की लोटों में पानी लेकर के शौच क्रिया के लिए जा रहे हैं, और जो ब्रश है ना सब सोने की थी, और जब उन्होंने आए जनकपुरी में, उनको जो स्वागत की गई, बोले क्या स्वागत की गई, हाथी घोड़ों के लिए काजू किशमिश बादाम दे रहे थे, खिला रहे थे, और वहां वर्णना कर रहे थे, जैसे यहाँ पर जैसे प्रसाद पाते ना थर्माकोल की आपको देते हैं प्लेट, बोले वहां पर कौन सा प्लेट दे रहे थे, बोले रोज उनकी सोने की ग्लास, सोने की कटोरी और सोने की प्लेट, और खाओ और डस्टबिन से फेंक दो, वर्णना आता है डस्टबिन में फेंक दो उसको, जैसे हम खा करके प्लेट को फेंक देते हैं ना, अयोध्या वासी तो देख देख कर तरस रहे थे, बोले हे भगवान सोने की प्लेट कटोरी है ग्लास, और इसको क्या करो, खाओ एक बार खा कर को फेंक दो, इतने धन दौलत। इसलिए आप देखना, जब से युधिष्ठिर महाराज राक्षस यज्ञ कर रहे थे, और वो कर रहे थे ना, उन्होंने अलग अलग जगह पर भेजे, बोले वहां पर चले जाओ, देखना सोने की ढेर जमा हुआ होगा, क्योंकि वो सोने को एक बार खा करके फेंक देते थे, इसलिए हमारे भारत को कहते ना सोने की चिड़िया, भारत को कहते हैं, सचमुच से हमारे जो भारत है ना वो सोने की चिड़िया थी, लेकिन सब ब्रिटिश लोग आकर सब लूटपाट करके हमारे भारत को सब कैसे ले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधेश्याम। लेकिन सबके सब तो वहां नाच कर रहे थे, गा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। बोले कौन भैया दुखी होकर बैठी हुई थी? बोले वहां पर श्री रोहिणी, वो बड़ी दुखी थी। बोले रोहिणी दुखी क्यों थी? बोले जो रोहिणी थी वो प्रसिद्ध भक्तिका। बोले प्रसिद्ध भक्तिका का मतलब क्या होता है? बोले जिसका पति दूर देश में और कोई विपत्ति में पड़ा हुआ हो, आप बताओ उसकी पत्नी कभी सबके सामने नाचेगी? कभी नाच सकती है? नाच नहीं सकती है। वसुदेव महाराज मथुरा में कंस के कारागार में, इसलिए वहां पर रोहिणी बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। श्री नंद बाबा देखा सबके सब तो यहाँ नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन घर की सदस्य रोहिणी कहाँ पर है? तो वो ढूंढते आकर के देखा रोहिणी तो बड़ी दुखी होकर बैठी हुई। बोले देख बहन रोहिणी, जब से तुमने ब्रज में आए हो, पहले हमारे घर में संतान नहीं था, लेकिन जब से तुम ब्रज में आए हो, दिन दोगुना रात चौगुना यहाँ पर लक्ष्मी बढ़ रही है। सबसे पहले तो तेरा बेटा हुआ बलदाऊ भैया, और देखो 15 दिन बाद में अरे मेरे बेटा कन्या हुआ है। तुम जब से आई हो तब से ब्रज में जय जयकार हो रही है। घर में तो दो स्त्री तुम हो, एक रोहिणी जसोदा, अभी जसोदा ने बच्चा जन्म दी, घर का काम तो नहीं देख सकते, बच्चा जन्म दी, अभी घर का काम तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, इसलिए आ मेरे को पता है तेरे तुम अभी प्रसिद्ध भत्री का हो, लेकिन कम से कम लाला को आशीर्वाद तो दे सकते हो,
कहीं कहीं पर वर्णन आते हैं, बलदेव प्रभु जब से जन्म हुए हैं वो आंख बंद करके रखे थे। बोले सबसे पहला जब मैं आंख खोलूंगा पहले कृष्ण कन्या को देखूंगा, फिर मैं दुनिया को देखूंगा। इतने में रोहिणी मैया दाऊ भैया को लाकर कृष्ण को पास में रख दिए। जब कृष्ण को पास में रखे, बलदेव प्रभु देखा मैं तब कृष्ण को पास में आ गया। इतने में उन्होंने आंख खोल दी, आंख खोल कर सामने श्री कृष्ण दर्शन की। जब उसने आंख खोल दी, यद्यपि रोहिणी थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन जब देखा बलदेव प्रभु आंख खोले, बोले उनकी आनंद की सीमा नहीं रही, मेरे लाला ने आंख खोल दी। वो भी ठुमुक लगा करके रोहिणी भी नाच उठी है, रोहिणी भी वहां पर नाचने लग गई, मैया रोहिणी। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले रोहिणी च महाभागा, कदी जो रोहिणी है ये बड़ी भाग्यवती रोहिणी। बोले क्यों भाग्यवती? कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए, लेकिन गोकुल में जन्म हुए, लेकिन मथुरा की कोई भी व्यक्ति ये नंद महोत्सव के अंश ग्रहण नहीं कर पाए। कोई क्यों, वहां कंस था ना, कंस के डर से। लेकिन उत्सव कहाँ हो रहे हैं? बोले गोकुल में हो रही है। केवल मथुरा की एक व्यक्ति जो रोहिणी है, वही केवल ये नंद महोत्सव का दर्शन किया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते रोहिणी च महाभागा, ये माता रोहिणी बड़ी सौभाग्यवती माता रोहिणी। बोले मैया रोहिणी देवी की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, सबके साथ एक बार खड़े होकर नाच लेना, ठीक है? बड़े समय से बैठे हो, काफी अच्छा है, काफी अच्छा। हरि यशोदा जायो लेना, मैं यमुना पे सुन आई,
वसुदेव चले गो Thank you.
परमेश्वर भगवान की जय। हरे कृष्णा, एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा। बच्चों तुम लोग तो पीछे चले जाओ, जब फिर टॉफी दूंगा लास्ट में टॉफी मिलेगा फिर आ जाना, ठीक है? जब पीछे जाकर खेलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो पकड़ कम पट बोलो। अभी हम लोग चलते हैं मथुरा में। अभी मथुरा में क्या हो रही है इधर ध्यान देकर सुना। जब श्री वसुदेव महाराज कृष्ण को रख करके वहाँ से जोग माया को लेकर के अंदर में प्रवेश करते ही जोग माया रोना प्रारंभ कर दी और जो हथकड़ी बड़ी अपने आप पड़ गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब वो बच्चा रोने लग गया पहरादारा जग गए। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वसुदेव महाराज निकल रहे थे, चूंकि कृष्ण को उन्होंने अपना सर पर रखे थे इसलिए अपने आप ये दरवाजा खुल गया, हथकड़ी बड़ी खुल गई, पहरादार सो गए। मतलब क्या है? अगर हम घर में कुछ भी करें भगवान को सामने रख कर करो। किसको सामने रख कर करनी चाहिए? अरे बहुत जोर से बोलो, किसको आगे रख कर करनी चाहिए? ठाकुर जी को। जब ठाकुर जी को हम आगे रख करके कोई भी काम करेंगे, कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। जब भगवान को आगे करके रखेंगे सारे बंधन हमारी मुक्ति हो जाएगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को आगे नहीं करके, जैसा अभी माया उन्होंने कृष्ण को रखे और माया को अंदर में लाते ही क्या हो गया, दरवाजा अपने आप लग गया, हथकड़ी बड़ी पड़ गई, पहरादार जग गई। मतलब है जब हम माया को आगे करके चलेंगे, दुनियादारी को आगे करके चले, क्या होगा? अपने आप तुम्हारी भाव बंधन की प्राप्ति है, संसार की माया में फंस जाएंगे। इसलिए जो कुछ करो ठाकुर को आगे रख कर करो, ठाकुर जी को आगे रख कर करनी चाहिए। अभी पहरादार जब जग गए, कंस को जा करके बोले महाराज कंस तेरे काल ने जन्म ले लिया है। कंस तो भागते भागते आए और देखा वहां पर बेटा नहीं बेटी। देवकी ने बहुत प्रार्थना की, तो मेरे छह छह बच्चे को तुमने मार डाले, मैं कुछ बोला नहीं, कम से कम एक बेटी तो छोड़ दे। बोले बेटी क्यों छोड़ने के लिए कह रही है? क्योंकि उन्होंने बेटे को रख करके बेटी को लाए। अभी फिर बेटा कौन मिलेगा? बेटी दोगे तब तो बेटा मिलेगा ना। तुम तो एक को रख करके एक लाए हो, एक को दिए बगैर एक मिलेगा कैसे? बहुत कोशिश की लेकिन कंस कहाँ सुनने वाला था। बोले बेटा हो नहीं बेटी हो कुछ भी क्यों नहीं हो, अभी तक तो थी जोग माया किस देवकी के हाथ में थी, कंस पकड़ते ही हो गई महामाया। और उसको ले करके जब पछाड़ने के लिए गया, उसने चरण की एक ठोकर मारी कंस को, कंस तो वहीं पर गिर पड़ा और आकाश में जाकर के अष्ट भुजों को धारण करते हुए बोली रे कंस तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। वो भी सही बताए, कृष्ण तो गोकुल में ही जन्म हुए। इतने में कंस ने जितने सारे अनुजाई अघासुर बकासुर त्रिनाबर्त पुतना जितने को बुला करके उन्होंने मीटिंग की, बोले बताओ अभी क्या करनी चाहिए। इतने में वहां पर श्री पुतना मासी खड़ी हो जाती है, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या? पुत मतलब पुत्र, नाम मतलब नहीं, जिसकी पुत्र नहीं है मेरे नाम ही पुतना, फिर पुत का क्या जरूरत? अगर कहीं बच्चा जन्म लिया होगा एक महीना को अंदर में होगा ना। बोले हाँ, बोले चिंता क्यों करते हो, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ, सब बच्चों को खत्म कर डालू। बोले बहन जल्दी जल्दी करो, हमारे प्रभु जी श्यामानंद प्रभु जी आपको भी कथा सुनाएंगे कैसे भगवान पुतना को भी कैसे धाई माँ की गति देते हैं।
उसको भी कैसे भगवान ने इसको पर कैसे कृपा कर। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोले, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य भक्ति वेदांत सदस्य गुरु गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग सोपार्श्व सपरिकर घोर नित्यानंद प्रभु सोपार्श्व सपरिकर श्री राधा गोविंद जी आप सभी कथा श्रवणकारी भक्तवृंद श्रद्धाए माताए वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में अभंता यथा जी के दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार गोकुल में भी बड़े सुंदर से धूमधाम करके ठाकुर जी के जन्मोत्सव यानी नंदोत्सव को पालन करते हैं। अब ठाकुर जी 6 दिन के हो गए हैं और नंद बाबा उत्सव में भूल ही गए हैं कि कंस भी है, हमारे एक राजा भी है और जिसको कर देना पड़ता है। तो नंद बाबा चले गए कर देने के लिए कंस के यहाँ। तो जैसे ही नंद बाबा कर देने के लिए चले जाते हैं वहाँ उनका मुलाकात वासुदेव से होते हैं। ये वसुदेव महाराज जी बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी करके ये क्या करो ना, अभी कंस सारे राक्षस असुर को बुला बुला के भेज रहा है, पूरा ग्रामो ब्रजेदितु सारे गांव गांव में भेजेगा, इसलिए कहीं हमारे पुत्र के ऊपर विपत्ति ना आ जाए, इसलिए आप क्या करो जल्दी करके ब्रज में चले जाओ। अब इतने में जब पूतना मोसी हो आगे, पूतना कौन है, ये अघासुर के बहन है, ये बकासुर के बहन है, ये कंस के बहन है, तो इसी दृष्टिकोण से कृष्ण का मासी लगे। तो जैसे ही पूतना आते हैं, पूतना बड़े सुंदर दिव्य रूप को धारण कर लेते हैं, है तो माया भी बोलने की कंसे न प्रेरिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुशचकार चाकम पुरग्राम व्रजाधीशो। ब्रज के एक एक गांव में घुस रही है पूतना, किस प्रकार कंसे न प्रेरिता घोरा, दुष्ट पूतना अपने आप को बड़े सुंदर स्वरूप में धारण कर लिया, कंस के द्वारा प्रेरित होके ये अपने तन में जहर लेके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दुग्धपान करवाने के लिए पूतना जा रही। इतने में ब्रज में घुसते घुसते एक जगह पे देखा कि सारे गोपियां सजधज के जा रहे हैं, सारे गोपियां सजधज के जा रहे हैं और अपने आपस में बधाई दे रहे हैं। तो देखो बधाई 2 जगह पे दिया जाता है, बताओ क्या क्या, किसी का शादी हो जाए तब बधाई देते हैं और किसी के यहाँ पुत्र संतान उत्पत्ति हो जाए तब बधाई देते हैं। तो पूतना को लगी कि इस जगह पे निश्चित रूप में कोई पुत्र संपत्ति पैदा हुई हो, तभी तो सब बधाई दे रहे, इतना मिठाई बांट रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं, सज धज के जा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तब पूतना ने बड़े सुंदर रूप धारण कर लिया और ब्रज में प्रवेश किया। जैसे ही ब्रज में पूतना प्रवेश कर रही थी, क्या सुंदर पूतना का दिव्य स्वरूप, गवा में बड़े सुंदर कबरी पुष्प माली जस्या, बड़े सुंदर मल्लिका चंपका आदि पुष्प का माला है और उसके आंखें बड़े सुंदर सुंदर आंखें, उसका भूलता बड़े तीक्ष्ण भूलता और उसके दिव्य स्वरूप दिव्य वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में एक कमल को पुष्प पंखुड़ी को मानो ऐसे घुमा रही है कि सारे जगत को मनमोहित करके घुमा घुमा के सबको आकर्षण अपने ओर कर रही है ये पूतना। तो सारे ब्रजवासी देख के हंसने लगे। अब देखो यहाँ पे टीकाकार एक प्रश्न उठा रहे हैं कि ये पूतना तो कपटी है और ब्रजवासी नित्य सिद्ध है। भाई ब्रजवासी तो भगवान के नित्य परिकर है, भगवान के साथ ही आए, फिर ये पूतना अपने मायावी स्वरूप के द्वारा ब्रजवासी को कैसे आकर्षित कर रहा है। तब टीकाकार कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी की इच्छा है।
ये ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी इच्छा के द्वारा अपने जोग माया देवी के कृपा शक्ति के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा पूतना को स्वरूप को ब्रज में प्रकाशित करने नहीं दे रहे हैं। अगर प्रकाशित हो जाए तो ठाकुर जी इतने मधुर लीला कैसे कर पाते। इसीलिए पूतना मासी धीरे धीरे करके आ रहे, बड़े सुंदर सुंदर रूप पे चल के जैसे ही आ रहे थे, ब्रज गोपियां हंस के बोलने लगे, अरे देखो देखो नंद की यहाँ लाला हुए हुए। और लाला को देखने के लिए क्या हम लोग ही थोड़ी ना जाए, ये स्वर्ग के अफसरी गण भी आ रही हैं। इतने अद्भुत सुंदरी थी। तो एक ब्रज गोपी बोले, अरे ये स्वर्ग के अफसरी नहीं है, लग रहा है ये कोई देवी है। तो एक ब्रज गोपी बोले, हाँ ये सचमुच देवी है। बोले कौन है? बोले ये सच में लक्ष्मी ही होगी। अब वैकुंठ पति तो हमारे नंद बाबा के घर आ चुके, अब लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली बैठी बैठी क्या करेगी, इसीलिए चली आई यहाँ देखने के लिए। तो इस प्रकार ब्रजगोपी हंसी खिली मजाक करते हुए पूतना को देखते आकर्षित हो रहे थे। अब इतने में पूतना नंद महल में प्रवेश करती है। जैसे ही नंद महल में प्रवेश कर लिए पूतना, तो देखा कि पालने में ठाकुर जी को अभी अभी यशोदा मैया ने पालने में शयन करवाया है। तो पूतना देखते है कि देख के ठाकुर जी को जो स्वरूप है, बाल गोपाल के जो स्वरूप को देख के थोड़ी देर के लिए तो खड़ी के खड़ी रह जाती है और बोलती है कि इतने सुंदर बालक को कोई थोड़ी पालकी में सुलाते हैं। मैया आपको लगता है लाड़ प्यार करना नहीं आता, आपको लगता है लाड़ प्यार करना नहीं आता। अब इतने में इतने बोल के ही तुरंत उसी पूतना ने ठाकुर जी को अपने गोद में उठा लिया। अब जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को अपने गोद में उठा लिया, तब वहाँ पे ठाकुर जी ने आँख बंद कर लिया। तो देखो टीकाकार में यहाँ पे ठाकुर जी ने क्यों आँख बंद किया, इसके कई सारा कारण बताते हैं। हम कुछ कारण को श्रवण करेंगे कि ठाकुर जी अभी किस अवस्था में हैं। बोले छोटे बाल अवस्था में, 6 दिन ही हुआ है, अभी अभी ठाकुर जी का उत्सव खत्म हुआ है। उत्सव भी पूरी खत्म नहीं हुआ है कि पूतना मोती आ गई। अब बालकों का एक स्वभाव रहता है कि जो अनपहचान, जिसको पहचानते नहीं, उनके गोद में जाते ही वो भयभीत हो जाते हैं। अब ठाकुर जी को भयभीत होने की क्या जरूरत है, भैया ठाकुर जी यहाँ पे बाल लीला कर रहे हैं। इसलिए मानो अभी ठाकुर जी यशोदा मैया के गोद में तो खेल रहे थे, अब पालकी में जैसे ही गए तो पूतना मौसी ने ले लिया। अब पूतना मौसी के तो ठाकुर जी कभी देखे नहीं, इसीलिए अनजान समझ करके ठाकुर जी ने आँख बंद कर दिया। दूसरा कारण है कि ठाकुर जी अभी बाल स्वरूप में है। बच्चों का एक स्वभाव होता है क्या, रोना और सोना। बच्चे ज़्यादा करके क्या करते हैं, सोते और ज़्यादा करके रोते हैं कि नहीं। तो मानो अभी ठाकुर जी यशोमती मैया के स्तन्यपान करके उनके बड़े आनंद लग रहा है। अब पालकी में बच्चे कब जाते हैं, जब नींद आता है कि नहीं। तो मानो पालकी में से पूतना उठा रही है और ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। और एक कारण है कि ठाकुर जी पूतना को मुख को देख नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। बोले क्यों देखना नहीं चाहते, बोले पूतना आए क्यों, कि कंसे न प्रेरिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चन चंदारम पुरग्राम ब्रजादिशु। कि ये पूतना इसीलिए आया कि कंस के द्वारा प्रेरित होकर बाल घातिनी सारे बालकों को मारने के लिए आया। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि हमारे ब्रज में आया है, ब्रज में मेरे उम्र के छोटे छोटे सुदाम मधुमंगल ये भी तो जन्म ले चुके हैं, अब मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए, भाई मैं बड़े होके खेलूं किससे, बड़े होके मैं खेल कूद किससे करूं, सुंदर सुंदर लीला किससे करूं, इसलिए मैं इस पूतना को नहीं देखूंगा, मेरे दोस्तों को मारने के लिए आए हैं। इसी कारण से ठाकुर जी आँख बंद कर दें। और एक कारण ठाकुर जी ने आँख बंद कर रहे हैं कि ठाकुर जी इस जगत में क्यों आते हैं। बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी इस जगत में आते हैं धर्म को स्थापन करके और असुरों को संहार करने के लिए। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं, देखो ये असुर है, इसको मैं संहार करूंगा, इसलिए तो मैं इस जगत में आया हूँ। पूतना जैसे को मारने के लिए तो मैं इस जगत में आया हूँ। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई, इस पूतना ने अभी अभी बोला कि इतने सुंदर बच्चे को थोड़ी ना पालकी में सुलाते हैं और गोद में ले लिया। भैया गोद में कौन लेता है,
जिसके अंदर वात्सल्य प्रेम होता है, जिसके अंदर ये ममता होता है, वही तो गोद में लेता है। अब मैं इसको प्राण को हरण करूंगा, ये मुझे बचने के लिए छोड़ दो बोलेगा। अब मैं इसको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? इसलिए ठाकुर जी है तो दंडधारी, फिर भी दंडदायक होने पर भी अत्यंत करुणा सिंधु है, करुणामय है, अत्यंत वात्सल्य होने के कारण ठाकुर जी आँख बंद कर दिए। और मानो यहाँ पे कारण बता रहे हैं, जहर कौन पीता है? कल श्रवण किए थे ना समुद्र मंथन में, जहर किसने पान किया? शिव जी ने। ठाकुर जी सोच रहे हैं इसके तन में तो जहर है, आँख बंद करके शिव जी को बुला रहे, बोले शंकर जी आ जाओ। शिव जी बोलते प्रभु जी क्यों आऊँ? बोले क्यों आऊँ क्या, बीच बीच पीना आपके काम है और दूध पीना मेरे काम है, आप आगे जहर पी लो और मैं दूध पी लूंगा। तो ये सब, और ठाकुर जी सोच रहे कि भैया ये पूतना ने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पुण्य काम किया था जो मुझे गोद में ले लिया। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहिया बतनाई। योगी मुनि ऋषि बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े हजार हजार साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान को उनको दर्शन भी नहीं होता। और ये पूतना का भाग्य तो देखो, ये पूतना ने कौन से ऐसे पुण्य कर दिया, मुझे देख भी लिया और बड़ी बात तो मुझे गोद में भी ले लिया। तो आंख बंद करके देख रहे हैं, बोले पूतना कौन थी? ये बोले ये पूतना पूर्व जन्म में ये बलि महाराज जी की पुत्री थी। कल श्रवण कर रहे थे ना कि भगवान वामन देव आते हैं बलि महाराज जी के द्वार पर और देखते ही त्रिविक्रम रूप धारण करते हैं, विराट स्वरूप को धारण करते हैं, बलि महाराज जी को सर्वस्व ले जाते हैं। तो भगवान वामन देव को देख के ये बलि महाराज जी के पुत्री ये विद्यावली ये सोच रही है कि इतने सुंदर बालक मेरे होता तो मैं उनको स्तन्यपान करवा दूं। अब जैसे ही ठाकुर जी ने छलपूर्वक सारी चीज को ले लिया तो विद्या ये बलि महाराज जी की जो पुत्री थी ये सोचने लगे, अरे मैं तो सोच रहा था कितने सुंदर बालक है, अरे देखो तो ये तो कितना कपटी निकला, मेरा अगर ऐसा बच्चा होता तो मैं उसको तन में बीज दे के उसको पान करवा करके मार देता। तो भगवान ने बोले ठीक है तथास्तु। तो बता रहे हैं कि इसी कारण से भगवान यहाँ पे पूतना को देखते ही आँख बंद कर दिया। अब पूतना ने भगवान के मुखमंडल पे अपने स्तनभरी विष वाला दूध को भगवान के मुख में दे दिया, थोड़ा भी उसको दया नहीं आया। और जैसे ही भगवान ने दुग्धपान किए, दुग्धपान करते 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 जिस समय पूतना को प्राण को श्वसन किए, पूतना समझ में आ गया कि ये ही हुई है। क्योंकि साधारण बच्चों में इतना शक्ति नहीं है कि विष को पी के थोड़े देर तक रुक सके, और ये तो विष को पी चुके हैं और मेरे प्राण को शोषण कर रहे हैं। तो सोचने लगा कि यही कंस को मारने वाला है, भैया इसको तो मैं कैसे बचाऊं, इसको तो मैं भाग भोग दौड़ करके कैसे मथुरा ले जाऊं, कंस महाराज वहीं मार देंगे। इस प्रकार सोच के पूतना ने अपने बड़े विराट स्वरूप को धारण किया, तीन योजन तक उसका स्वरूप था, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े बाल है, और उसने में कृष्ण को पकड़ के ओ मां मुंचम भयो मुझे क्या करो, मुझे छोड़ दो, जितना पान करना है कर लिया, अब छोड़ दो मुझे। इस प्रकार बड़े चिल्ला चिल्ला करके आकाश मार्ग में उड़ के चली जा रही थी। अब इतने में कृष्ण ने उसका प्राण को श्वसन कर दिया। जैसे ही प्राण को श्वसन कर दिया तो पूतना एक जगह पे गिर गई। तो टीकाकार कहते हैं गिरी भी कहाँ पे, किस स्थान पे गिरी? ये पूतना इतना बड़ी थी, अगर ब्रज में गिर जाता ना पूरा ब्रज का सारे घरवार सब टूट जाता। इसलिए ठाकुर जी ने उसको एक ऐसे जगह पे ले गए और गिराए। बोले किस जगह पे लेके गिराए? बोले ये कंस का एक बगीचा था जिसमें बड़े सुंदर सुंदर फल और फूल होता था, लेकिन ये दुष्ट कंस ये फल फूल अपने भोग के लिए लगाया करता था, ठाकुर जी को नहीं देता था। अब टीकाकार कह रहे हैं जो चीज ठाकुर जी को नहीं दिया जाता वो चीज अगर अपने भोग के लिए कुछ भी चीज अगर लगाएंगे तो उसको ऐसे पूतना मौसी ही उसके ऊपर गिर जाएगी, उसके ऊपर पूतना मौसी ही गिर जाएगी चाहे कुछ भी हो। तो बता रहे हैं कि वहां पे गिर गई, उसी बगीचे में ही गिर गई।
तो जैसे ही बगीचे में गिर गई, सारे ब्रजवासी ये आश्चर्य को देखते हुए दौड़ने लगे। अभी अभी तो उत्सव खत्म ही हुआ, अभी अभी ब्रज में राक्षसी भी आ गई। सारे ब्रजवासी भाग रहे। यशोदा मैया मानो मूर्छित ही हो जा रही है। देखे कि एक जगह पे देखे कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, ना पूतना मोती के ऊपर बड़े सुंदर रूप में खेल रहे। अब पूतना के जो शरीर है, उसके जो स्तन है, दो पर्वत के स्वरूप, और वहाँ पे कृष्ण मानो नीलमणि के सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। उसके जो नाभि मंडल है मानो एक सड़ी हुई एक हृदय है, उसके दांत नंगल के जैसा, और उसके बाल मानो भयंकर भयंकर एक झरना के जैसा, पची हुई झरना के जैसा। तो इस प्रकार टीकाकार बड़े बड़े विस्तृत वर्णन करते हैं। अब कृष्ण को उतारा कैसे जाए, तीन योजन है पूतना का हाइट, कृष्ण को कैसे उतारा जाए। बोले सीढ़ी लेके आए, सीढ़ी लेके धीरे धीरे ब्रजवासी चढ़ने लगे। एक ब्रजवासी बोला है, भैया धीरे धीरे चढ़ो, कहीं पूतना अगर जग गई और उठ गई तो सारे ब्रजवासी यही बोल हो जाएंगे, धीरे धीरे चढ़ियो। तो धीरे धीरे चढ़ के कृष्ण को धीरे धीरे करके उतारे। अब देखो हो ना हो, ब्रजवासी तो जानते ही है कि कृष्ण क्या है, अपने पुत्र मानते हैं, कृष्ण को भगवान तो मानते नहीं। इसीलिए ब्रजवासी सोच रहे हैं, भैया हमारे पुत्र के द्वारा एक अपशगुन हो गया, अभी अभी तो उत्सव खत्म हुई थी, अभी अभी अपशगुन भी आ गए, इसलिए क्या करो ना, गोरजेनम स्नापेता पुनम रजेनार्भकम। गोरजेन स्नापयित्वा, गाय के चरण धूलि के द्वारा, गौमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र के द्वारा कृष्ण को स्नान कराया, कृष्ण के शरीर में द्वादश तिलक लगाया। देखो हम तिलक लगाते हैं ना, ये स्वयं यशोमती मैया कृष्ण को रक्षा करने के लिए भी ठाकुर जी भी ये द्वादश तिलक लगाए, और फिर कृष्ण को स्वस्ति वाचन आदि करवाया, और कृष्ण को फिर यशोमती मैया लिए। अब इधर जो पूतना वहाँ पे बगीचा में पड़ी हुई थी, नंद बाबा वहाँ से भाग करके आके देखे कि पूतना पड़ी हुई है, इतना बड़ा भिक्षात राक्षसी, अब इसको जलाया कैसे जाए। तो ब्रजवासी बोलते हैं, ठाकुर जी नारायण ने हमारा पहले ही सुन लिया, ब्रज में गिर जाता तो सारे घर बार टूट जाता, सारे जमीन बाड़ी खेती सब हरिवोल हो जाता, इसको गिराया तो वह उसी दुष्ट कंसे के बगीचे में गिराया। अब लकड़ी के भी आवश्यक नहीं है, बगीचे के ऊपर तो गिराया, नीचे आग लगा। तो ब्रजवासी वहाँ पे जैसे ही नीचे आग लगाते हैं, दिव्य रूपा पूतनाम तत्प्रेतम सुगंधिता, इतने सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया, और मानो स्वर्ग के देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, और सुगंध अतर चंदन कपूर पूरा दिव्य वासना से, दिव्य महक से चारों ब्रजमंडल महक उठा, और ओ भगवान ने उसको मातृ उचित गति दिया। मातृ उचित गति मतलब बता रहे हैं कि कृष्ण के दो धाई माँ है, लिम्बिका और किलिम्बिका, तो इनके अनुगत्य में ये कृष्ण के सेवा करेंगे, माता जैसा स्थान दे दिया। तो यहाँ पे टीकाकार कह रहे हैं कि भाई ये पूतना को अगर माता जैसा स्थान दे दिया, तो आप जिन ब्रजवासियों का दूध स्वयं पिए हो, जिन ब्रजवासियों के साथ आप खेलकूद कर रहे हो, उनको क्या दोगे। प्रभु पूतना तो मारने के संकल्प लेके आया था, आपके मुंह में विष भी दे दिया। बता रहे हैं, पूतना बाल घाती ने राक्षसी रुधिराशना, राक्षसी रुधिरासना जहर पीने वाली बाल घातिनी, इसको क्या दे दिया आपने, ना धातृ उचित गति दे दिया, धाई माँ की गति दे दिया। तो ये ब्रजवासियों को जिनका दूध आप लेते हो, गायों का दूध आप पीते हो, उनको क्या दोगे प्रभु। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो उनके प्रेम के ऋणी हूँ, और मैं अपने सर्वस्व भी दे दूँ तब भी मैं उनसे चुप नहीं सकता। बोले मैं अपने सर्वस्व दे देता हूँ, अपने आप को ही दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास जगत में देने के लिए और कोई वस्तु नहीं है। तो बता रहे हैं ठाकुर जी कितने दयालु हैं। उद्धव जी कहते हैं ना कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंगाशया यद अपि यशाद्वि लेभे गतिंगा त्रुतिचतिव गतिन्ना कम्बा दयालु शरणम व्रजेम। कि आप जैसे दयालु प्रभु कौन है। बकी, एक बकी का शब्द अर्थ है ये पूतना कौन है, बकासुर के बहन होने के कारण बकी है, और दूसरा अर्थ है कि बगुला के रूप धारण किया है। बगुला तो ध्यान करता है, लेकिन उसका मूल ध्यान फोकस कहाँ रहता है, मछली के ऊपर। तो इसलिए बाहर तो देखने में बड़े सुंदर है, अंदर किस किस भाव से आया है, ना सब बच्चों को मानने के लिए।
ऐसे पूतना ऐसे रक्त पीने वाली राक्षसी को आपने माता गति दे दिया, तो कंबा दयालु शरणम भजे मी, आप जैसे दयालु कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुण अब गुण प्रभु देख ही न काहूं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु जी ठाकुर जी किसका गुण अवगुण को नहीं देखते। कोई अगर ठाकुर जी प्रेम पूर्वक प्रणाम भी किए तो ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। तो अंतिम में सूत्र गोस्वामी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि तत्पोतना मोक्षणाम श्रुणयाम श्रद्धयाम चित्ते गोविंदे लवती रतिम, कि इस पूतना चरित्र को जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, प्रीति पूर्वक ध्यान करते हैं, उसको क्या होता है, फल भी कैसे, जो कृष्णा का जो ये लीला है, ये कृष्ण लीला में ऐसे ऐसे लीला नहीं, इसका जो फल भी है इतना उच्चा फल दे रहे हैं, जो मुनि ऋषि को भी प्राप्त नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं ना, गोविंदे लभते रति, भगवान गोविंद के चरणों में उसको रति के प्राप्त होता है जो इस पूतना प्रसंग को प्रेम पूर्वक श्रवण करता है। बोल पूतना की, पूतना उद्धार लीला की, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, हरे कृष्णा। देखो ये जोर से ताली हो जाओ, कोई ताली नहीं। हाँ देखो, इसमें दो तीन शिक्षा है, ये शिक्षा को लेकर के जाना। अभी सुन रहे थे ना, पुतना को कहाँ पर गिराया, बोले कंस की बगीचा में। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, कंस का निर्देश था यहाँ के कोई भी फल फूल ब्रजवासी और कृष्ण सेवा में नहीं लगनी चाहिए। भगवान बोले दुनिया को बनाया मैंने, दुनिया मेरा है, अरे मेरे और मेरे भक्तों की सेवा में नहीं लगनी चाहिए। बोले मिलनी चाहिए किसको? बोले अघासुर बकासुर पुतना पिन्यावर, तो इनको मिलनी चाहिए। बोले जितने दुष्टों को मिलनी चाहिए, इसलिए उपनिषद में बताए, ध्यान देकर सुना, उपनिषद में बताए, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, कहते सबके सब चोरी करके खाना होता है। मनु संहिता कहता है, स्वान विष्टा समच अन्न निरंच सूर्यासन, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते कुत्ते की विष्टा के बराबर है, पानी बोले शराब की बराबर और मूत्र की बराबर है, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है। जो चीज ठाकुर को भोग लगता है, देखो कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन बोले भुज जलती तो अगम पापा जे पचंती आत्म कारणार्थ, जो व्यक्ति अपना लिए बनाकर खुद खाते हैं, मेरे को नहीं खिलाते हैं, कृष्ण कहते हैं भुंजनते तो अधम, वो केवल पापी भोजन करते हैं, लेकिन मेरे को जो भोग लगाकर खाते हैं, कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपाय जायते। बोले हे अर्जुन, जो मेरे को भोग लगाकर खाते हैं उसको जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं रहता है। आप लोगों ने सुदामा का नाम सुने हो? कौन कौन सुदामा का नाम जानते हो? हाथ उठाओ, तो सब जानते हो, हम टीवी में देखे होंगे। ये सुदामा पहले गर्मी क्यों बना, फिर बाद में धनी किस लिए बना, आप सब देखे होंगे। जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे, उनको गुरु माता ने सुदामा को चाना दिए थे, बोले सुदामा कृष्ण को देख रहे खाना, लेकिन सुदामा ने किया क्या, चोरी करके आया ना, ठाकुर को दिया नहीं ना। ठाकुर बोले तू मेरे को नहीं दिया, इसका कष्ट तेरे को उठाना पड़ेगा, इतने गरीब बने, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि ठाकुर को नहीं देकर खाए। फिर धनी कब बने, जब फिर पता चला सुदामा की पत्नी को, इनकी बचपन के जो सखा है कौन है, द्वारकाधीश। बोले जाओ ठाकुर को दर्शन करके जाओ, ठाकुर का दर्शन करने पर दुख कष्ट दूर हो जाता है। बोले खाली हाथों में नहीं, उन्होंने दो मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, लेकिन ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, अब जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे क्या हुआ, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, नहीं नहीं प्रभु, अपने दो मुट्ठी खा लिया तो उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ घर में दासी बन जाओ। और सुदामा जब घर में आया क्या देखा, सोने की महल, उसकी पत्नी राजरानी बनकर बैठी हुई, और उसको आरती उतारने के लिए आई। सुदामा सोच रही है ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है, वो पीछे हट रहे थे। इतने में
उनकी पत्नी सुशीला बोली मेरे को पहचान नहीं रहे, बोले तू है कौन, बोले मैं तो वही सुशीला हूँ, बोले ये सब क्या है, बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठी चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर दो मुठी खाई तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए क्या करनी चाहिए ठाकुर जी को, भोग लगाओ, क्या करो बोलो क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया करो, ठीक है ना, फिर तो घर में लक्ष्मी आएगी। लेकिन भोग कब लगाएंगे, जब हम प्याज लहसुन नहीं खाए, मांस मछली नहीं खाए, प्याज लहसुन नहीं खाए, तभी तो भोग लगा सकते हैं ना, नहीं तो ठाकुर को भोग नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए प्याज लहसुन को त्याग देने के लिए। जैसे अभी नवरात्रि आई थी, 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन खा रही थी, कोई नहीं खाए ना, 9 दिन तो खाते नहीं, बोले क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हैं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखना, फिर खा कर नाराज कर दो माता जी को, इसलिए माता जी को जो चीज पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, अच्छे तरह से सुनो, और आपके दोस्तों को भी बोलना। पहले ऋषि मुनि लोग आश्रम में गैया पालते थे, गैया माँ है, गो माता है, अगर कोई गैया बूढ़ी बन जाती थी उसको बलि नहीं देते थे, उसको मारने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ में उसको बलिदान देते थे। लेकिन ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब वो मंत्र पढ़ते थे बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी। आश्रम के कोई गैया हो गई बूढ़ी, यज्ञ के अनुष्ठान किए, गैया को बलिदान दिए, सबका हाथ में मांस दे दिया यज्ञ कुंडल में आहुति देने के लिए। अभी हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने मांस को दे करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने खाए कैसे, उसने राख में छुपा दी, सबके सब आहुति डाले, ऋषि ने मंत्र पढ़ा तो गैया एकदम जवानी बन करके प्रकट हुई। लेकिन जिस अंग का मांस को उन्होंने छुपाया था वहां पर इतने बड़े घाव बना हुआ, वो जगह भरा नहीं। ऋषि तो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाए, ध्यान लगा करके देखा किसने मांस खाने के लिए छुपाया, ऋषि अभिशाप दे दिए, बोले जहां पर ये मांस को छुपाया, जैसे मांस लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा होगी लाल लाल रंग के। अब देखना मांस जैसे सड़ जाने पर बदबू आती है, आप देखो कच्चा प्याज खाओ मुंह से भी वैसे बदबू आती है। आप प्याज काटो पता चल जाएगा कहीं प्याज कट रही है, चोंक भी दो पता चल जाती है, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। इसलिए ये सब चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है। नवरात्रि रखते तो 9 दिन तक तो उसको नहीं खाते हैं, क्या 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा फिर। जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं, जो चीज ठाकुर नहीं खाते हैं, वो चीज हमें भी प्यारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, घर में जो कुछ खाना ठाकुर को भोग लगा कर खाई हो, ठीक है, कम से कम भागवत से तो कुछ लेकर के जाओ, ऐसे नहीं भागवत खत्म हम भी खत्म हो गए और यहाँ से पल्लू झाड़ कर गए, ठीक है ना। प्याज लहसुन नहीं खाने का, और जो कुछ खाओ ठाकुर जी को, इसलिए पुतना क्यों खाई, वहां पर पुतना क्यों आ गई, इसलिए पुतना आ गई चूंकि वो जो वस्तु है वो ठाकुर जी को नहीं देते थे, तभी पुतना आई ना। इसका मतलब क्या है, ये चीज को सीखो, अगर ठाकुर जी को सेवा में कोई चीज नहीं लगेगी, जैसे हर चीज पैसा से खर्च करते हैं, पैसा लक्ष्मी है, पैसा कौन है, पैसा लक्ष्मी, लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण की, अरे बोलो लक्ष्मी किसकी है, नारायण की। अगर ये लक्ष्मी नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, फिर लक्ष्मी बिगड़ जाती है, फिर घर में पुतना मासी को बुला लेती है, फिर पुतना आकर के ऐसे गिरेगी ना, फिर सब कुछ सत्यानाश कर देती है। इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाओ, नहीं तो पुतना घर में आएगी, ठीक है। इसमें ये शिक्षा को आप लेकर के जरूर जाना, ठाकुर को भोग लगाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कल है, कल कथा में गिरिराज पूजा है, एक बार गिरिराज की जयकार दो। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, इनको जय कही है बोल रहे हो। बोले श्री गिरिराज महाराज की। देखो गिरिराज की बड़ी महिमा, गुरु जी कहते थे हम लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, अब वहां पर देखना
गिरिराज शिला गोबर में शिला रखा हुआ, देखे हो ना कि नहीं, शिला गोबर में शिला रखा हुआ है। बोले क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए वो गिरिराज शिला गोबर में जितने शिला रख देते हैं ना ठाकुर जी, उतना मंजिली मकान उसको दे देते हैं। आप देखना पेड़ में धागा बंधा हुआ, देखे ना कि नहीं, जिसको बेटी की शादी नहीं होती, जिसकी नौकरी चाकरी नहीं लगती है, हैं? अगर गिरिराज में जाओ, उनके अभिषेक करो, परिक्रमा करो, गुरुदेव कहते थे जो गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना ठाकुर जी उसको पीछे 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 घूमते हैं। क्यों? इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है और मेरे से क्या मांगेगा? इतने गिरिराज की महिमा है, इसलिए गिरिराज को बताया सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को जो पूरी करने वाले श्री गिरिराज बाबा है। इसलिए कल श्री गिरिराज के अन्नकूट है, स्वयं गिरिराज ने बताया गिरिराज की अन्नकूट में एक अन्न की दाना, एक अन्न की दाना जो उनकी भोग में लगा देता है ना, किसी जीवन में घर में कभी अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। गिरिराज स्वयं कहते हैं घर में लक्ष्मी भरपूर रहेगी, एक जीवन नहीं किसी जीवन में भी, इतने महिमा अन्नकूट की। इसलिए कल अन्नकूट होएगा, आज राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए मैंने कहा देखो अभी तो चार दिन कथा रहेगी, रोज प्रसाद होनी चाहिए। कल प्रसाद था ना, आज भी विशाखा दीदी ने कुछ कुछ भक्तों को बोले राजमा और चावल बना करके लाना, कुछ कुछ भक्त लोग भी आज सब राजमा चावल बना करके लाए हैं, जिन लोग ने लाए हैं उनके लिए ताली बजाओ कम से कम। राधा रानी मूल लक्ष्मी है ना, राधा जी की कृपा होगी ना घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, देने वाले तो राधा ही है, वो तो मूल लक्ष्मी है। ठीक है, कल भी कुछ कुछ भक्त लोग कुछ बना बना के लाएंगे, और देखो कल एक काम करो सब लोग कुछ ना कुछ बना करके लाओ, हैं? कुछ कुछ कल कढ़ी चावल जैसे गिरिराज की कोई सब्जी बना करके लाओ, घर से अगर थोड़ा थोड़ा बना करके लाओगे बगैर प्याज लहसुन के, गिरिराज की भोग भी लग जाएगी, फिर उसका प्रसाद भी हम सबको उसको प्रसाद भी मिल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कल गिरिराज जी का अन्नकूट है। अभी प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बात बताएंगे, थोड़ी सी तो बोलो, वहां से घर से माला ले आओ। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण की नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मजे गुरुपाद पद्म लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सक्ष श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण तुम लोग का स्मरण करते हुए पुनः पुनः उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित व्यास आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी तथा श्रवण करने आए माता बहने भाई सबको मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। महाराज जी की आज्ञा हुई है कुछ जो महाराज जी से गुरुजनों से वैष्णवों से जो बातें सुनी हैं उन्हीं बातों को यहाँ पे पुनरावृत्ति करने के लिए महाराज जी ने आदेश दिया है। तो जो ये कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बोलते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण कब आए? भगवान द्वापर में। तो द्वापर में जब भगवान चले गए, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, तो भगवान जब
धरा धाम से अपने धाम वापस गए हैं तो धर्म और ज्ञान को अपने साथ ले गए। क्या किया? धर्म और ज्ञान को अपने साथ ले गए, वो उनके साथ ही चला गया। तो क्या हुआ? कलो दृष्ट कलो नष्ट, जिस युग में जी रहे हैं वो कौन सा है? वो कलयुग। कलयुग कैसा युग है? कलह का युग। कौन सा युग? कलह का। कलह मतलब कलेश है, या कलेश है या नहीं है? है। अच्छा, ऐसा कलेश है, पड़ोसी पड़ोसी में कलेश है, देश देश में कलेश है, घर घर में कलेश है, अरे यहाँ तक कि व्यक्ति के अंदर ही कलेश चल रहा है। एक विचार दूसरे विचार से लड़ाई कर रहा है। आप खुद ही किचन बनाने जाओ, ठाकुर जी का भोग बनाने भी जाओ, तो वो अलग बात है, हमें पता है ठाकुर जी को क्या पसंद है। वरना इन जनरल जो माता बहनें किचन में जाती हैं, क्या सोचती रहती हैं, अरे क्या बनाए क्या बनाए। घर पे कभी कभी वाद विवाद इसी बात पे हो जाता है कि ये क्या बना दिया और ये क्यों नहीं बनाया। देखो, ऐसा ये कलेश का युग है। तो कह रहे हैं कि हुआ क्या है, ऐसे समय पे ऐसे अंधकार में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो भगवान से क्या है? अभिन्न है। ये क्या है? ये स्वयं कृष्ण ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रकट हुए हैं। और क्या दिखाया? सूर्य के भांति क्या किया? उस अंधकार को, उस कलह के अंधकार को दूर किया। क्या कहा गया? कि माया जो है, ये जो कलयुग में ये जो माया का प्रकोप है, ये क्या है? ये अंधकार के समान है। तो जहां पे कृष्ण या ये भागवत ग्रंथ का, भागवत की शिक्षाओं का जहां पे श्रवण कीर्तन होता है, पालन होता है, वहां पे क्या है? वहां पे साक्षात कृष्ण रूपी सूर्य चमकते हैं और वहां कभी भी माया का या कलेश रूपी अंधकार कभी नहीं रहेगा। इसका कोई उदाहरण है कि ऐसा कोई परिवार है, ऐसा कोई स्थान है जहां पे क्या है, भागवत जो ये शिक्षाएं हैं, जो इसकी उपदेश हैं, इनका सही रूप से पूरा पूरा पालन किया जा रहा है और तनिक भी कलेश नहीं है। देखिए, हम लोग अपने घर में क्या कोशिश कर रहे हैं? अच्छे से अच्छी चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी आया एसी लगा लिया, सर्दियां आई ब्लोअर चला लिया, हाँ सोने के लिए अच्छे बेड, घर अच्छे अच्छे बना लिए, यातायात के साधन के लिए फोर व्हीलर खरीद लिया, वो भी अच्छे वाला खरीद लिया, हाँ कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छे अच्छे फोन रख लिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन, सब चीज हम अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एंड में घूम फिर के क्या हो रहा है? कलेश, कला। पर एक परिवार ऐसा है जहां इस भागवत की शिक्षाओं का, निर्देशों का, उपदेश का पूरा, वो केवल भागवत में ही परिवार है। कैसा परिवार है? पूरा भागवत में ही परिवार है। वहां पे स्थिति क्या है? विपरीत चीजें हैं। हम तो यहाँ पे अनुकूल चीजें रखने की कोशिश कर रहे हैं पर कलेश हो रहा है। वहां पे विपरीत चीजें हैं, विपरीत चीजों के होने के बाद भी कलेश कलह नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत है, वो भागवतमय परिवार है। वो परिवार कौन है? श्री शिव पार्वती परिवार। अब इस परिवार को देखो, शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु और पार्वती वैष्णो देवी। वैष्णव शब्द ही कहां से आया है? जो विष्णु के, जो भगवान के क्या है? उपासक है। ये दोनों वैष्णव वैष्णवी हैं। इनके बच्चे कौन है? अभी महाराज जी ने भी बताया, राधारानी की पिता माता बनी है। कौन बनी? राधारानी की पिता माता कौन बनने वाली? अब बनकर तैयार बन गए। तो कौन है इनके पुत्र? गणेश और कार्तिकेय। देखो, गणेश जी क्या है? देवों में, देवी देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने केवल एक काम किया। क्या किया? पत्ते पे भगवान का नाम लिख के अपने गुरु, कौन? शिव पार्वती, जो माता पिता भी हैं, गुरु भी हैं, उनके हाथों में देके उनकी चार परिक्रमा लगा दी थी। तो क्या शिक्षा दी? कि भगवान और गुरु ही समस्त संसार है एक भक्त का।
ये उन्होंने शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा? भागवत की शिक्षा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने भी मान लिया कि प्रथम पूज्य ये हैं। और वो कार्तिकेय ने क्या किया, जब स्वर्ग पे असुरों ने आक्रमण किया तो भगवान के नाम को ही जपते हुए, उन्हीं भगवान का चिंतन करते हुए उन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में विजयी भय। अब इस घर में एक चीज देखने वाली है, शिव के वाहन कौन है? नंदी। और माता के? क्या शेर नंदी को छोड़ेगा? शिव जी के गले में क्या है? और कार्तिकेय का वाहन क्या है? क्या मोर सांप को छोड़ेगा? और गणेश जी का वाहन क्या है? तो क्या सांप चूहे को छोड़ेगा? एक परिवार में ये सारी चीजें विरोधी विरोधी, अगर हमारे घर में होना लड़ाई मची रहेगी। वो नंदी के पीछे शेर भाग रहा है, वो मोर भाग रहा है, सांप के पीछे सांप भाग रहा है, चूहे के पीछे, यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। पर क्या वहां पे ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भागवतमयी परिवार है। ये भागवत की शिक्षाओं को पालन किया जा रहा है। सदैव शिव ने अमरनाथ में जो पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई थी, कौन सी कथा है ये बताओ? बड़े सरल रूप से आप अपने घर बैठे बैठे महाराज श्री से वही कथा सुन रहे हो। यही भागवत कथा सुनाई थी, जिसको अमर कथा कहा जाता है। सदैव हो क्या रहा है, वो जो गले में सांप है ना शिव जी के, वो उनके गुरु रूपी शेष जी हैं, जो सदैव उनके कानों में क्या कर रहे हैं, ये भागवत की कथाएं, भगवान के नाम कीर्तन उनको सदैव क्या कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और शिव जी भी क्या कर रहे हैं, सदैव वही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे महाराज जी ने कहा ना, यहाँ आए कथा सुनी और बस झाड़ झूड़ के घर चले गए, नहीं। अगर वाकई में इस कलयुग रूपी कलेश के इस युग से बचना है तो इन भागवत की कथाओं को, प्रसंगों को क्या करो, अपने हृदय में भर भर के लेके जाओ। और घर जाके अपने बच्चों को, अपने साथ वालों को, अपने पड़ोसियों को, सबको ये भागवत की शिक्षाएं दो, खुद भी पालन करो और उनको भी दो। देखना क्या होगा, ये कलेश कलह का युग ऐसे ही खत्म होगा, केवल और केवल यही। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या अगर भगवान की भक्ति करनी है तो क्या घर छोड़ना जरूरी है? महाराज जी हालांकि कई बार बता चुके हैं, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, जो ये घर है आपका उसको क्या बनाना है, भगवान का घर। देखो सीधी सीधी एक बात सुनिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है? ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? भगवान। उसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है, उसी पृथ्वी में क्या ये एशिया है, एशिया के अंदर ये भारत है, उसी भारत में यूपी है, उसी यूपी में ये ग्रेटर नोएडा है, उसी ग्रेटर नोएडा में ये सेक्टर 36 है, उसी में ये कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में छोटा सा एक 200-500 हजार गज का जो जमीन का टुकड़ा है उसको रजिस्ट्री करा ली मैंने कोर्ट में, तो क्या वो मेरा हो गया? क्या वो मेरा हो गया? वो टुकड़ा चाहे मैंने रजिस्ट्री करा के अपने नाम पे चढ़ा तो लिया, पर वास्तविक रूप से वो किसका है, उसको बनाने वाला कौन है? भगवान। तो उस टुकड़े पे जो मैंने घर भी बनाया, वो ईंट सीमेंट रोड़ी लोहा जहां से भी लाया, क्या मैंने अपने मुंह से अपने कान से निकाला? नहीं, किसी जड़ इसी पृथ्वी से ही कहीं ना कहीं से किसी दुकान से लाया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो मैं किस चीज का अहंकार करूं कि ये सब मेरा है? तो हम क्या करें, जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना, उनका है उनका मान लो, वरना क्या होगा, पूतना आके गिरेगी। तो कौन कौन चाहता पूतना को अपने घर बुलाना? ओ, आप पूतना को अपने घर बुलाना चाहते हैं? दीदी सुन तो लो, मैंने हाथ खड़ा किया, मेरे पीछे पीछे हाथ खड़ा कर दिया। उस पूतना से तो बचना है। हम क्या चाहते हैं, किसका जन्म हो हमारे घर में? ठाकुर जी का। कल कृष्ण जन्म था ना, वो कृष्ण जन्म, भगवान का जन्म कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी। एक बार ये ठाकुर घर किसका बना दो, नेम प्लेट किसकी है, ये ठाकुर निवास, कृष्ण निवास, श्री राधा रानी निवास। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे ठाकुर जी रहते हैं। हमारे मठों में, हमारे मंदिरों में आओ, नाम क्या दिया हुआ है?
श्री रमन बिहारी, श्री विनोद बिहारी गौड़िया मठ, ठाकुर जी के नाम पे ही वो स्थान है। तो हम क्या करेंगे, अब जिस घर में मैं रह रहा हूँ वहाँ के स्वामी कौन हो गए हैं, वो तो ठाकुर जी हैं। तो मैं क्या किस भाव से रहूंगा, मैं रहूंगा उनके दास के भाव से। अब यहाँ पे एक बड़ी चीज अजीब सी आती है, कभी कभी हमें लोग पीछे से आके बोलते हैं, ये आप ये दास दास बनने की बात क्या करते हो, ये तो बड़ी ओछी सी बात करते हो। नौकर बनना कोई पसंद करता है आज की डेट में, बताओ? आप मेरे नौकर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, हाँ मैनेजर बनने के लिए तैयार। कोई दास कोई नौकर बनने के लिए तैयार नहीं है। पर याद रखना, ये यहाँ पे सबसे घृणित शब्द है, सबसे निचला लेवल है, पर भगवान के जगत में होड़ मची हुई है। होड़ क्या? दास बनने के लिए। दास वहां पे उपाधि है। क्या है उपाधि? वो त्रिलोकी नाथ, वो भगवान कृष्ण अखंड ब्रह्मांडों के जो नायक बनाने वाले, वो स्वयं उस होड़ में लगे हुए हैं। क्या? कि मैं भी दास बन जाऊं। किसका? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी भी होड़ कर रही है, वहां ब्रजवासी सभी होड़ कर रहे हैं, हम कृष्ण के दास बन जाएं, कृष्ण होड़ कर रहे हैं, मैं अपने भक्तों का दास बन जाऊं। तो सोचो दास क्या है, वहां पे एक उपाधि। तो इस बात को हम हृदय में समझेंगे, हमें क्या बनना है, हमें प्रभु का दास बनना है। तो हम दास भाव से उस घर में रहें, जो भी कार्य करें भगवान को समर्पित। बच्चे पढ़ाई करो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ठाकुर जी के लिए, ताकि कल को जब कोई पूछे कि ये देखो भगवान के भक्त हैं, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, वाह 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 वाह। जो माता बहने हैं वो रसोई करें तो किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। पुरुष लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो किस चीज के लिए? वो सब कुछ ठाकुर जी के लिए। जो आप कमा के लाए उससे क्या करें, और जो घर है उसको क्या बनाएं? वो हम भगवान का एक संसार बनाएं। ये सभी यहाँ पे इस घर के अंदर कौन रह रहा है? सभी भगवान के भक्त रह रहे हैं। आपस में मिलके चर्चाएं करो। तो क्या चर्चाएं करो? केवल भगवत कथाओं की, भगवत कीर्तन की चर्चा करो। देखना समय ही नहीं बचेगा लड़ाई करने का, समय ही नहीं बचेगा लड़ाई करने का। अगर गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अरे ठाकुर जी को भूख लगाना है, अरे ये सेवा करनी है, अरे वो सेवा करनी है। और खुद सोचो, आपस में घर वालों के आपस में ही जब आपके सबका सेवा का केंद्र केवल और केवल ठाकुर जी गुरुदेव होंगे, तो क्या झगड़ने का कोई मौका मिलेगा? क्योंकि सारी चीजें किसके लिए हो रही होंगी? ठाकुर जी के लिए, गुरुदेव के लिए हो रही होंगी। आप कुछ खरीद के लाए, मान लो पति कुछ लेकर आया, आम, ये एक बिल्कुल आम परिवार है, पति कुछ खरीद के लाया, पत्नी मुंह बना के देख रही, ये क्या ले आया, हाँ पैसे फोड़ने थे यहीं फोड़ने थे। अब भक्त परिवार, पति कुछ लाया, लाते ही रख दिया, ये ठाकुर जी को भोग लगा देना, पत्नी कुछ कह पाएगी? कह पाएगी? वाह देखो ठाकुर जी के लिए लाया। देखो जैसे ही ठाकुर जी के लिए समर्पित होगे, ये कष्ट कलेश सब दूर हो जाएगा। तो क्या करें, जो भी कार्य करें, जो भी हम करें, सोना भी किस लिए? ताकि हम अच्छे से सोएंगे, कल सुबह जल्दी उठ के मैं अपना नाम जाप करूंगा, हरि नाम। हरि नाम सब कर रहे हैं, तो पीछे सारे बैठे हैं, वो तो माता जी दिख रहा है, करने वाले तो अलग से ही पहचाने जाते हैं। बाकी लोग हरि नाम लिया, माला ली है, पीछे माला ली है, नहीं ये सरी नहीं हिल रहे अब तो, देखो इस बात को समझना आज। देखो मान लो मैंने यहाँ पे दीदी के बगल वाला प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, मैं गया, मैंने विटनेस में दीदी के साइन ले लिए, विटनेस भी साइन होते हैं ना, पटवारी के पास गया, पटवारी से साइन करा लिया, रजिस्ट्रार के पास गया, रजिस्ट्रार से साइन करा लिया, पर जो उस प्लॉट का मालिक है उससे साइन नहीं करवाया, तो क्या वो पेपर पूरे हैं? क्या वो प्लॉट मेरा हुआ? ऐसे ही हम ठाकुर जी चाहते हैं। हम किसको चाहते हैं? हम राधा रानी की दासी बन जाएं, हम ठाकुर जी मिल जाएं, हम ब्रज में रहना चाहते हैं, हम वृंदावन में रहना चाहते हैं, हम प्रभु को पाना चाहते हैं। पर वो किसकी प्रॉपर्टी है ये समझना, किसकी प्रॉपर्टी है ये धन, ये जो भक्ति, ये धन किसका है? ये शुद्ध भक्तों का धन है। उनसे जब तक साइन नहीं करवाया ना, तब तक ये आपके नाम होगा नहीं। एक छोटी सी कथा सुन के फिर हम मैं शेष करूंगा। एक बार तुलसीदास जी का नाम सुना है आपने?
संत तुलसीदास हुए हैं, तो संत जन कैसे होते थे, कैसे होते हैं? सदैव क्या कहते हैं, एक जगह नहीं रहेंगे स्थान पे। ये हम महाराज जी में भी देखते हैं, एक स्थान पे रहते हैं। बस इस भागवत कथाओं का प्रचार, भगवान की भक्ति का प्रचार, नाम का प्रचार करने के लिए जगह 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 जाते रहते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास जी एक बार एक राज्य में गए, तो उनकी महिमा वहां के राजा को कुछ दरबारियों ने सुनाई कि एक बहुत बड़े संत हमारे राज्य में आए हैं। अरे वो संत इतने पहुंचे हुए हैं कि राम जी के दर्शन करवा देते हैं, राम जी को साक्षात दे देते हैं। तो जब राजा ने ये सुना तो उसके हृदय में इच्छा हुई कि क्या करूं, किसके दर्शन करने हैं, राम जी के दर्शन करने हैं। तो चलो, कहां चलो, उस संत के पास। क्या किया, हाथी घोड़े हाँ, पूरा अपना रथ वथ तैयार किया, थाले भरे, थालों में कपड़े हाँ, अशर्फियां, हीरे जवाहरात, खाने पीने का सामान लेके पूरे अहंकार से, मैं कौन हूं, इस देश का राजा हूं मैं, और मैं जाके उनको ये सब दूंगा और उनको बोलूंगा कि मुझे राम जी के दर्शन कराओ, और मैं राम जी के आज दर्शन करके आऊंगा। इस प्रकार से वो क्या गया, तुलसीदास जी के पास गया। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्या कर रहे हैं, अपना हरि नाम कर रहे हैं हाँ, और प्रभु की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। बीच में राजा पहुंच गया, अरे ओ संत बाबा, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूं, ये सब ले और मुझे राम जी के दर्शन करा। तो तुलसीदास जी ने आंख खोली, देखा सामने राजा खड़ा, तो कह रहे बस इतने छोटे से कार्य के लिए तू इतना सब कुछ लेकर आया है। राजा का सर घूम गया, क्या बात कर रहे हैं ये, क्या कह रहे हो आप। कहते मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो कहते हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बड़ा सरल सा कार्य है राजन। कहते अच्छा क्या है बताओ। कहते कुछ नहीं करना है, बस तुम अब ये नाम करने लग जाओ, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बस ये नाम करो, प्रभु के नाम में और प्रभु में कोई भेद नहीं है, ये नाम ही साक्षात प्रभु के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा राजन। तो राजा उन दरबारियों की तरफ कहता है, इसके पास लेकर आए हो हाँ, मेरा समय नष्ट कराया हाँ, ये नाम मैं माँ के पेट से कर रहा हूँ, मेरी माँ राम भक्त है, ये नाम तो मैं उनके पेट से करता आया हूँ, आज तक तो हुए दर्शन नहीं, और ये कह रहा अभी कर लो और हो जाएंगे हैं, पाखंडी है, झूठा है, खामखा मेरा समय नष्ट कराया। और राजा चला गया वापस कहाँ, अपने राजमहल में। यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है, क्या शिक्षा है, कभी भी संत साधु के दर्शन करने जाना तो कोई घमंड अपना साथ मत लेके जाना कि मैं राजा हूँ या मेरे पास इतनी धन संपदा है, ये है, क्या करके जाना, बिल्कुल दीनहीन हो के पास जाओ साधु के, और अपना जो कलमश, अपना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो कूड़ा कबाड़ा भरा है, वो सामने जाके बड़ी दीनता पूर्वक कहो कि हे साधु, हे संत, हे गुरुदेव, आप इसका नाश करो और मुझे प्रभु की भक्ति में लगाओ, ऐसे प्रार्थना करी। पर राजा ने तो ऐसे करी नहीं, पूरी अकड़ में आया। तो तुलसीदास जी अब क्या गए, राजमहल में गए, और राजमहल में घुसते ही सीधा चिल्लाए, दरबारियों, सैनिकों, इस राजा को बंदी बना लो। जैसे आप हैरान हो गए हो ना, सब वहां पे हैरान हो गए, ये बाबा सा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये। तो राजा भी हंसने लग गया, हंस रहा है, ये देखो जिसको हम छोड़ के आए थे, आज आके ऐसे ऐसे बोल रहा है। वो फिर चिल्लाया, सैनिकों तुम्हें सुनाई नहीं देता, इस राजा को बंदी बनाओ। ऐसे करके तुलसीदास जी कई बार चिल्लाए। अब राजा जो हंस रहा था, दरबारी जो हंस रहे थे, अब हंसना हो गया गंभीर। अब सोच रहे हैं ये धूर्त, ये पागल हा? राजा को आया गुस्सा, और राजा बोलता है सैनिको, पूरा भी नहीं बोला था, बस सैनिको। 10-12 सैनिक इस तरफ से भागे, 10-12 सैनिक उस तरफ से भागे, और तुलसीदास जी को उठा लिया। और तुलसीदास जी जोर जोर से हंसने लगे हैं। तब राज पुरोहित राजा के पास गया, कान में बोला, राजन अपना अहंकार छोड़ो, ये संत महात्मा है, कोई शिक्षा देने आए हैं, जाओ इनके चरण पकड़ो और इनसे पूछो कि क्या समझाना चाहते हो, मेरी बुद्धि मोटी बुद्धि में घुसता नहीं।
तब जब राजा गए इस प्रकार से उनके चरणों में प्रणाम किया, उनसे कहते हैं मेरी बुद्धि बुद्धि में घुसता नहीं, आप क्या समझाना चाहते हो, क्या शिक्षा देना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि राजन मैं जब चिल्ला रहा था सिपाहियों राजा को बंदी बनाओ, सिपाहियों बंदी बनाओ, सिपाहियों बंदी, क्या इन सिपाहियों को सुनाई नहीं दे रहा था क्या? सबको सुनाई दे रहा था, तुम्हें सुनाई दे रहा था, पूरे दरबार को सुनाई दे रहा था, पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और तुमने पूरा भी नहीं बोला, हल्का सा इशारा किया और देखो फट से मुझे उठा लिया गया। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। तुम ये हरि नाम करोगे, ये नाम करोगे, ये नाम क्या करेगा, तुम्हें साधुओं से मिलवाएगा, पर जब साधुओं से अथॉरिटी लेके करोगे तब तुम्हें भगवान से मिलाएगा। तो हम क्या करें, हम जो नाम कर रहे हैं आज तक, इसका फल देखो हमें क्या मिला, साधु जन हमारे घर के पास आए। आपने कोई मेहनत करी, कोई बहुत बड़ी टिकट वीजा पासपोर्ट कुछ ऐसा लिया? कुछ नहीं लिया, बस थोड़ा सा कष्ट किया, अपने घर से पैदल चल के आए होंगे, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट, बस सोचो क्या क्या मिला अभी तक का, जो थोड़ा बहुत जीवन भर का कुछ नाम टूटा फूटा किसी तरीके से लिया है ना, उस हरि नाम का फल है कि भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को यहाँ भेजा, शुद्ध भक्तों को यहाँ भेजा। अब आगे का क्या करना है, अथॉरिटी ले लो। ये जो नाम जो देते हैं महाराज जी गुरु गर्ग हमें देते हैं, ये उस सिद्धि से देते हैं, जब उस नाम से, उस नाम को ग्रहण करके पूरे नियमों से जब हम हरि नाम करेंगे तब हमें क्या होगा, तब हमें ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा, तब हमें राधा रानी का साक्षात्कार होगा। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यही हरे श्रीमती राधिका राधा रानी के रूप में और यही कृष्ण कृष्ण के रूप में, यही नाम किसी दिन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, हमें दर्शन देगा, हमें सेवा देगा। पर कब होगा, जब अथॉरिटी से लोगे, ये तब होगा। गौर प्रेमानंदे हरी हरी गोल बिहारी लाल की। देखो भागवत का जो सार है ना, वो ठाकुर जी का नाम है। जैसे पूरी हमने भागवत कथा सुन, अगर इसको मंथन किया जाए तो निकलेगा क्या, निकलेगा ठाकुर जी की नाम ही निकलेगा। इसलिए आज हम यहाँ बैठ करके एक माला जप करेंगे। आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो, हाथ उठाओ। तो सब सुने हो, ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके महाप्रभु का रूप में आए। एक समय भक्तों ने महाप्रभु से प्रार्थना किया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन महाप्रभु एक शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में ही भोजन करूंगा। और आज से 550 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हम तो कभी जिंदगी में लखपति बन ही नहीं सकते हैं, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करेंगे? अरे भगवान बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती। अरे बोलो, मैं बिखराऊं गली गली। असली जो लखपति 1,00,000 जो नाम करते, मेरे तरफ में देखो कैसे हरि नाम करना। देखो इसे माला है, ये माला आपको दे नहीं रही, ये माला आप इसे वापस ले लेंगे। यहाँ पर बैठ करके के माला करेंगे, उसके बाद में राधा रानी आएगी, फिर प्रसाद लेकर भी जाना। देखो ये माला कैसे जप करके देख लो, जैसे ये माला है ये अंगुल को उसमें नहीं टच कराते हैं। क्यों? ये अंगुल अहंकार का प्रतीक, हम बोलते ना तुमको देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए ये बीच वाले अंगुल को पर रख करके एक बार बोलो मेरे साथ में, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर करके, बोलो हरे कृष्ण 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 कृष्ण
करके उसमें एक मोती को सरकाते हैं, दो बार बोल करे दो मोती, तीसरे बार करे तीन मोती, रुक जाओ बच्ची। और जब यहाँ पर समाप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाएगी, ये अंगुल को उसको ऊपर पार नहीं करनी चाहिए, अंगुल को पार नहीं करानी चाहिए, फिर घुमा देनी चाहिए। देखो एक लाख कैसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, एक बार बोलते 16 बार हो गया। इसमें 108 मोती है, अगर इसको 16 राउंड अगर कर लिया तो हिसाब से 25,000 हो जाता है। अगर किसने 64 माला कर ली, इसका मतलब 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, बोले फिर बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। बोले भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी, इसलिए मीरा कहती है दीन दीन बढ़त सवाय, आज अगर 1,00,000 माला की तो कल आपको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में हो जाएगी 2,00,000। और यही धन ही हमारी अंतिम समय में हमारी काम में आएगा, ठीक है। यहाँ पर बैठ करके एक माला जप करेंगे, आपको ये जो माला है ना बच्चों को मत देना, ये माला बच्चों को नहीं देना, ये माला बड़े लोगों को दो, और जिन लोगों के पास में माला नहीं है उनको दो, जिनके पास में माला नहीं उनको दो। प्रभु जी दे रहे हैं माला, ये बच्चों को नहीं देना, ये बड़ों को देना। ये माला को वापस दे जाइएगा, जिसकी इच्छा होगी बाद में हम दे देंगे। और माला नहीं ना दू, प्रभु जी दो माला लिखा दो, फटाफट दो, बड़ों को दो, और जिनको पास में है उनको मत देना, जिनको पास में नहीं उनको दो। हाँ देखो जब माला जप करना है आंख बंद कर लेना, समझना वृंदावन में बांके बिहार जी की चरण में बैठ करके हम ठाकुर का नाम जप कर गए, ठीक है। हाँ आप जितने लोगों को मिला कोई बात नहीं, नहीं मिला तो आप लोग मेरे साथ में करना, आपको सब फल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिनको पास में पहुंचे ठीक है, नहीं पहुंचे तो हम लोगों को साथ साथ में करो, सबके साथ सबके साथ आंख बंद कर लो, समझो हम वृंदावन में ठाकुर जी की चरण में बैठे हुए हैं। और सबके सब हरिनाम करना, क्योंकि जो हरिनाम करेगा उसको पाप उड़ जाएगी। बोले उड़ करके कहाँ पर बैठेगा, बोले जो हरिनाम नहीं करेगा, जो हरिनाम नहीं करेगा उसको ऊपर जाकर बैठ जाएगा। इसलिए सबके सब हरिनाम करना, ऐसे नहीं कोई हरिनाम नहीं करे, सबके सब मेरे साथ में करो, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा पूरी हो गई ना। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, आपने तो एक माला की, आपको पता है कितना फल मिला? आपका नाम पर बैंक में ठाकुर के पास में 2,00,000 रुपया डिपोजिट हो गई। कितना लाख हो गई? क्योंकि यहाँ पर समझो 100-150 भक्त लोग हैं, सब लोग ने हरि नाम की, सबका आवाज सबकी कान में गई तो माला तो एक की, लेकिन 2,00,000 में 64 कितना हो गया? कितना हो गया? 64 ढाई, कितना हो गया? 128 माला हो गई अब यहाँ पर। इसलिए आपका नाम पर 2,00,000 रुपया ठाकुर के पास में फिक्स डिपोजिट हो गई।
जब ऊपर जाओगे ना सबके सब काफी खुलेगा तो माला ही माला मिलेगा, सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, जिसकी इच्छा है बाद में आपको दे दूंगा, सब माला वापस दे दो। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोला अभी राधा रानी आ रही है, बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ देखो कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में अगर डायरेक्ट इसको पढ़ोगे आपको कहीं भी राधा जी का नाम इसमें नहीं मिलेगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भैया आप तो खूब राधे राधे बोल तो वृंदावन में जाओ, देखना सबके सब किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो, सबके सब सिर्फ राधा जी का नाम लेते हैं। बोले आप तो खूब राधे राधे नाम बोलते हो लेकिन ये भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं है, कारण क्या? इसका बड़े रहस्यपूर्ण कारण है। इसलिए हमारे टीकाकार लोग कहते हैं भागवत में तो राधा जी को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, इसलिए ये ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब होता है श्री मतलब राधा रानी और मद मतलब होता है प्रेम। बोले ये भागवत नहीं राधा जी का प्रेम ही ये श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत की कण कण में ही राधा जी का नाम है। इसलिए अगर ये भागवत से राधा जी का नाम निकाल दो ना फिर तो भागवत कुछ ही रह नहीं जाएगा। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं सो माला कोई लेना नहीं, माला सब वापस दे देना, पाप लगेगा जो माला ले जाएगा, वैसे नहीं लेनी चाहिए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते हैं ये भागवत में राधा जी की महिमा को विशेष पूर्वक श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णना की है। इसलिए भागवत में जो सर्वश्रेष्ठ लीला है कहते ये रास लीला ही सर्वश्रेष्ठ लीला। इसलिए जब रास हो रही थी इतने में राधा रानी देखा एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी कृष्ण केवल मेरे पास में, लेकिन राधा रानी देख रही थी कृष्ण मेरे पास में भी है और कृष्ण सबको पास में, लेकिन गोपियां सोच रही थी कृष्ण मेरे पास में। इतने में राधा रानी की मान हो गई, क्या मैं गोपियों के साथ में बराबर हो गई, और गोपियों का सौभाग्यमद हो गया जगत में सबसे बड़े हम सौभाग्यवती। इतने में कृष्ण जब राधा रानी मान करके रासलीला छोड़ देती है ना फिर तो रासलीला बंद हो गया, कृष्ण भी रास छोड़कर चले जाते क्योंकि रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। जब इतने में कृष्ण राधा जी को लेकर के अपना हाथों से सुंदर सुंदर पुष्पों से राधा जी के श्रृंगार की, सुंदर फूलों की माला बना करके राधा रानी को उन्होंने सुंदर रूप में सजाया, अभी राधा रानी की भी मान हो गई, कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ करके कृष्ण चले जाते हैं। इतने में गोपियां राधा रानी को ढूंढती हैं, राधा रानी कहाँ, ढूंढते ढूंढते कृष्ण की दोनों चरणों को बीच में एक सुंदर प्यारी किसी गोपी के चरण को उन्होंने दर्शन किया। सुखदेव गोस्वामी राधा जी की ये प्रिय सुख है, राधा रानी की चरण की सेवा करती है, इसलिए राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह इसको देख करके तो सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, सुखदेव गोस्वामी पहचान गए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते देखो भले ही तुम लोग कोई अभिमान करते हो कृष्ण हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके सब गोपियां तो थी लेकिन कृष्ण किसको लेकर अकेले गए, बोले केवल श्री राधा रानी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग कहते हैं कृष्ण को अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या कहते हैं, बोले राधिकार दासी जदी आए अभिमान शीघ्र मिलाए तब गोल आके यहाँ पर कहते हैं अकेले कृष्ण को जो पूजा करते हैं भैया वो अभिमानी है, खबरदार उनकी संग नहीं करना,
अगर किसको ब्रज रस पाने की इच्छा हो तो किसको संग करो जो राधा जी की एकनिष्ठ होकर के भक्ति करते हैं। कृष्ण किसको जल्दी जल्दी मिलते हैं, अगर किसकी अंदर में ये अभिमान हो जाए हम तो श्री किशोर जी की दासी है। इसलिए हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अगर आपको पूछा जाए ये बताओ कृष्ण को साथ में तुम्हारी क्या संबंध है, बोले भैया कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी मतलब तो श्री राधा रानी को साथ में मतलब है, राधा जी को साथ में ही हमारी मतलब, श्री किशोर जी को साथ में। हाँ कृष्ण को साथ में संबंध है, चूंकि श्याम सुंदर किशोर जी की प्रियतम लगते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की। हाँ बोले श्री वृषभ, ए बच्चों बैठ जाओ सब कैसे, दो मिनट बाद में आप लोग वहां से आना, दो मिनट में खड़े रहो। हरे कृष्णा। हाँ देखो इधर सुना, बोले श्री वृषभानी महाराज के घर में एक बेटा जिसका नाम श्रीधाम भैया, लेकिन उनको घर में कोई बेटी नहीं है, इसलिए ये सोच रहे हैं घर में जरूर घर में कोई बेटी होनी चाहिए। देखना घर में बेटी आए ना, सारा दुनिया कहते हैं घर में लक्ष्मी आई है, कौन आई है, अरे बोलो कौन आई है। लेकिन कोई बेटा जन्म ले कोई कहता है नारायण आया है, नहीं कहते हैं। इसलिए जो बेटी की जो दान है ना वो लक्ष्मी स्वरूपा मान करके बेटी की दान की जाती है। इसलिए जगत में जितने बड़ा दान, सबसे बड़ा दान मतलब कन्या दान, इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन दुनिया बड़ा विचित्र है, अगर कोई बेटी आ गई ना नाना नानी का तो पहले हालत खराब हो जाते हैं, घर में बेटी कैसे आ गई। अरे अगर भगवती दुनिया अगर बेटा बेटा हो जाए बेटी नहीं हो, आप बताओ ये दुनिया रहेगा। कुछ दिन पहले कोई मेरे को कोई बता रहे थे जो बढ़िया घर है में ना अभी कहते 40% बच्चे अभी कुंवारा रह रहे हैं, क्योंकि बेटी है नहीं शादी देने के लिए, घर में कभी बेटा चाहिए। 40% बच्चे अभी कुंवारा रह रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए, बेटी है ही नहीं शादी कहाँ से देंगे। बोले घर में बेटा आए। इसलिए भैया कितना बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसलिए चिंता नहीं करना। जिसको घर में जितने ज्यादा बेटियां है ना उसकी घर में ज्यादा लक्ष्मी की कृपा होती है। अब देख लेना जिसको घर में जितना ज्यादा बेटी होगी, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो उसको घर में आएगी। इसलिए यहाँ पर वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं, कहते घर में बेटी होनी चाहिए, घर में बेटी आए तो कहते घर में माँ लक्ष्मी आई घर में है। अभी वृषभानंद महाराज का नित्य नियम था, क्या था, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान के लिए जाते थे। जब स्नान के लिए गए देखा सतदल एक कमल फूल के ऊपर में बड़ी एक तिलकारी मरते मारते हुई बड़ी एक लाली बहते बहते आ रही है, और उसकी ज्योति से चतुर्थी को उद्भासित तो हो रहा था, और जब ये पानी में उतरे वो फूल इनकी तरफ में आया, और वृषभानंद महाराज वहीं से उन्होंने बेटी को वहीं से उन्होंने उठा लिए, बोले श्री राधा रानी की, और दिया किसी को, बोले कीर्ति का सुंदरी का, बोले देख हम सोच रहे थे ना घर में के बेटी होनी चाहिए, देखो ठाकुर ने एक बेटी दिया है, बड़े लाड प्यार से बेटी को पालन कर रहे थे। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, कृष्ण अकेले कभी आएंगे नहीं, वो तो अपना शक्ति को साथ में आएंगे, जरूर कहीं ना कहीं राधा रानी जरूर कहीं ना कहीं, घर घर में जा जा करके पूछ रहे थे, घर में कोई बच्चा देखा, कहीं ललिता कहीं विशाखा कहीं चंपकलता कहीं दाम श्रीधाम वसुधाम, लेकिन राधा जी नहीं। करते करते जब उन्होंने आए रावल में और वृषभानंद महाराज को पूछे घर में कोई बच्चा हुआ है, उन्होंने श्रीधाम भैया को दिखाए, बोले कोई लाली हुई कि नहीं, चुप हो गए, क्योंकि लाली को उन्होंने यमुना से प्राप्त किया। बोले बोलो ना, बोले हाँ एक लाली भी, बोले ले करके आओ। जब ले करके आए नारद तो देख करके पहचान गई, भैया यही कृष्ण की पराशक्ति लादिनी शक्ति स्वरूप शक्ति कृष्ण की प्राण प्यारी तो यही है, इन्हीं को ही तो मैं ढूंढ रहा था। अभी सोच रहे हैं इनकी थोड़ा स्तुति करें, लेकिन पिता माता सोचते हैं हमारी लाडली लाली है, इनको पता नहीं रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद काननेश्वरी समस्त ईश्वरी का जो मूल ईश्वरी श्री राधा रानी, उनको तो पता ही नहीं सोच लाली है। तब उन्होंने बहाना बनाया, थोड़ा फूल लेकर के आओ बच्ची को आशीर्वाद दूंगा।
जब फूल लेने के लिए गए इतने में राधा रानी किशोरी बन गई, ललिता विशाखा सबके सब सखियां प्रकट हो गई। इतने में ललिता कहती है बाबा क्या देख रहे हो, स्तुति करो, अभी अभी राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी। तब नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनीन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक की राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। बोले पुनः तुमको गिरिराज तलट में वहीं पर दर्शन दूंगा। नारद प्रेम में गदगद हो गए। वृषभान महाराज ब्रज में नौता दिया, मेरे घर में लाली वही सबके स्वभाव, और नंद बाबा के साथ में मित्र था, नंद बाबा को निमंत्रण दिया। नंद बाबा मैया जसोदा कन्या को लेकर के आए और राधा रानी को पास में लेटा दी। इतने में कृष्ण अपना हाथ राधा जी के ऊपर रख दिया। राधा रानी जन्म से ही आंख बंद करके आई थी, बोले सबसे पहले कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगी। जब कृष्ण हाथ रख दिया ना तो स्पर्श पाते ही राधा जी के रोम रोम खिली उठी और आंख खोला तो सामने श्री कन्हैया को देखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और विश्वभन महाराज बड़े धूमधाम से उन्होंने राधा जी की जन्म महोत्सव मनाए। इसलिए अभी आ जाओ भैया, लाली को लेकर के सबके आ जाओ राधा रानी को। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इधर देखो सबके सब देखो, जिनकी इच्छा होगी हम माला जप करना चाहते हैं, कल सवेरे अगर कोई आएगा हम यहाँ पर ले जाना। हम दो तरह से माला देते हैं, जो कोई जो संपूर्ण रूप में प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ तक भी प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, हम उनको तुलसी माला देते हैं। और जो बोलेगा हम धीरे धीरे ये चीज को छोड़ेंगे, फिर हम उसको नीम माला देते हैं। बोले ये माला लेकर के हरिनाम करते रहो, ठाकुर का नाम करने पर धीरे धीरे सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। जिसकी इच्छा हो कि हम माला जब करना चाहते हैं, आप लोग सवेरे 8 बजे 9 बजे अगर यहाँ आ जाएंगे, सवेरे 7-8 बजे आ जाओगे, अब हम माला दे देंगे। कल 8 बजे ना, कल कितने बजे जाएंगे हा? कल कैंसिल हो गया, बढ़िया होगा, हरे कृष्ण। इसलिए कल जो लेना चाहते हैं माला, अब आज आ जाना, अब हम दे देंगे माला। राधा ने कीर्तन कर Oh, oh, oh.
Oh, I'm sorry,